थैंक यू एवरीवन. साइंस क्या है? एक साइंसी थ्योरी. एक थ्योरी साइंसी है कि नहीं, किसको हम साइंस माने, किसको इधर उधर की बात समझे, ये बड़े दिलचस्प और बड़े अहम मौजूआत हैं. और इसके ऊपर कार्ल पॉपर ने बहुत कुछ लिखा है और उसकी फिक्र इन मामलों में बड़ी गहरी समझी जाती है. कार्ल पॉपर का बड़ा असर रहा है दुनिया के बड़े मुफक्किरों पर और साइंसदानों पर. तो इस मौजू पर बोलने के लिए आज हमजा वसीम यहाँ तशरीफ़ लाए. हमजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, एक्चुअली डीफिल कर रहे हैं. वहाँ इन्होंने बहुत से अब फिजिक्स में काम किए हैं. फिजिक्स से हट के अब वो ज़रा ज़्यादा थियोरेटिकल कामों की तरफ मायल हुए हैं और शौकिया बहुत सी चीज़ें और भी पढ़ते रहते हैं. तो अब क्योंकि इनका आना हुआ है ऑक्सफोर्ड से कुछ महीनों के लिए या साल के लिए, तो मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका बनता है कि इनको ब्लैक होल में मधु किया जाए और इनसे फिर कार्ल पॉपर के कामों के ऊपर बात की जाए. तो हमजा, द फ्लोर इज़ योर्स. आप बताएं, आपने इनको पढ़ा और बहुत इनसे मुतासिर हुए. खैर, बहुत लोग मुतासिर हुए, लेकिन क्या वजह थी कि आपने ये मौजू आज चुना? जी, तो मेरा जो इंटरेस्ट है फिज़िक्स में वो क्वांटम मैकेनिक्स में है. पिछली सदी में दो बड़ी रेवोल्यूशंस आई फिज़िक्स में, जिसमें एक रिलेटिविटी है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है. ठीक है, अभी आप इसकी फिक्र ना करें कि इनका मफहूम क्या है, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो उसके बारे में कहा जाता है कि अभी भी ये इनकम्प्लीट है. इसको आए हुए 100 साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर जो फिज़िसिस्ट हैं, जो थोड़ी गहरी नज़र रखते हैं फ़िलासफ़ी के ऊपर, वो मुतमिन नहीं हो रहे. तो उसमें कई स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ थाट हैं. और तो मेरा शौक़ जो है कार्ल पॉपर में, वो यहाँ से शुरू हुआ कि अब ये जो मुख्तलिफ़, अब थ्योरी तो एक ही है और थ्योरी की हमें पता है कि एप्लीकेशंस कई सारी हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेज़र है, ये सारी क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हैं हमारे पास. लेकिन वो थ्योरी हमें बता क्या रही है, इस पर अभी कोई कंसेंसस नहीं है. तो यहाँ से मेरा शौक़ हुआ फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में. और फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में सबसे बड़ा नाम कार्ल पॉपर का समझा जाता है. तो इस तरह मैंने कार्ल पॉपर को पढ़ना शुरू किया कि यहाँ से हमें कोई मदद मिल सके कि आज की जो थ्योरी में जो मसाइल हैं वो हम सुलझा सकें. अच्छा, बहुत से लोग इस बात पे शुबा करते हैं. वो कहते हैं कि हमें साइंस करते वक्त किसी फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं है. और देखें, अगर आप कोई से भी शोबे में हों, आपको पता है कि आपको उस शोबे में करना क्या है. तो ये सारी बातें जो फिलॉसफी ऑफ साइंस की हैं, कहाँ तक इनको जानना ज़रूरी है एक प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट के लिए? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्टीवन वाइनबर्ग, जिसका नोबेल प्राइज़ था साइंस में, फिज़िक्स में, अब्दुल सलाम के साथ नोबेल प्राइज़ मिला था, वो कहता था दिस आई डोंट नीड अ फिलॉसफी ऑफ साइंस, इट्स आई डू व्हाट आई हैव टू डू, इट इज़ माय फील्ड विच गाइड्स मी टूवर्ड्स दैट. जी, इसमें अगर आप प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो मैं फर्दर कैटेगरीज बताऊंगा. एक वो प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट है जिसका काम है कैलकुलेट करना, और जैसा कि हाई एनर्जी फिज़िक्स में है या कॉस्मोलॉजी में है, जो थ्योरी में, जिनकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन मसला तब होता है कि अगर आप किसी ऐसे फ्रंटियर पे साइंस के, किसी साइंस की बिल्कुल बाउंड्री पे आप चले जाएं और अब आपको समझ नहीं आ रही, अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस ऐसी हैं जो आप कैलकुलेशन से डिसाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको एक फ़िलोसॉफिकल स्टांस लेना पड़ता है. दूसरी बात यह है कि जो साइंटिस्ट ये कहता है कि फ़िलासफ़ी अहम नहीं है, वो भी फ़िलासफ़र है. वो भी, ये भी एक फ़िलोसॉफिकल स्टांस है कि फ़िलासफ़ी जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और स्टीवन वाइनबर्ग की ये बात समझ आती है कि वो जिस दौर में था, वो हाई एनर्जी फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स का वो अरूज का दौर था और पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे थे और स्टैंडर्ड मॉडल पर काम हो रहा था, यूनिफिकेशन पर. तो उस टाइम आपको फ़िलासफ़ी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी. और एक और फिर उसका हिस्ट्री से भी ताल्लुक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ज़्यादातर फंडिंग है वो मिलिट्री से आती है, यूएस में ख़ास तौर पे. तो मिलिट्री का इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन होनी चाहिए, और फिर फिलॉसफी वाले सवाल जो हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं. तो अगर आप उस ज़माने की टेक्स्ट बुक्स भी देखें तो उसमें
फिलॉसफी के सवाल नहीं हैं, लेकिन आप वर्ल्ड वॉर टू से पहले की टेक्स्ट बुक्स देखें तो उसमें इंटरप्रिटेशन के सवाल हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें बता क्या रही है। तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड का फ़र्क है। और आज के दौर में क्योंकि हम थियोरेटिकल फिजिक्स में हमें ऐसा लग रहा है कि वैसे तो हमने बहुत सारी थियोरीज बना ली हैं लेकिन हम उन्हें टेस्ट नहीं कर पा रहे एक्सपेरिमेंटली, और हमने उसमें से कोई डिसीजन लेना है कि स्ट्रिंग थ्योरी करनी है तो स्ट्रिंग थ्योरी किस तरह की करनी है या स्ट्रिंग थ्योरी करनी भी है या नहीं है। तो ये हमें फिलॉसफी बताती है। और पिछली सदी के जो बड़े साइंसदान थे आइंस्टाइन, बोहर, श्रोडिंगर, उनका फिलॉसफी पर बड़ा बूर था। और अगर आप उनके पेपर्स पढ़ें तो वाकई मज़ा आता है कि वो कांट के काम से वाकिफ़ थे, वो अर्नस्ट मार्क के काम से वाकिफ़ थे, और वो कुछ हद तक वो खुद भी फिलॉसफर थे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि स्टीवन वाइनबर्ग ने कांट, किरकेगार्ड, बर्टन रसल सारे फिलॉसफर्स पढ़े थे। वाइनबर्ग का काम सतही नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट कैलकुलेटिंग क्रॉस सेक्शंस। वाइनबर्ग का काम कॉस्मोलॉजी से मुतालिक है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के इतनी खूबसूरत उसने इंटरप्रिटेशंस क्या एक्चुअल कैलकुलेशंस की ऑफ द कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन कि मैं इससे ये कहने से ज़रूर घबराता कि वो सतही काम है कि ही वॉज अ कैलकुलेशनल फेसिस। नहीं, उसकी बड़ी गहरी नज़र थी। लेकिन देखें, बात आपकी ठीक है कि कुछ फिजिसिस मानते हैं कि फ़लसफे की ज़रूरत है और कुछ समझते हैं कि नहीं है। ये इसमें मिजाज की बात भी आती है। तो चलिए हम वाइनबर्ग को जाने देते हैं, और लोग हैं बोम जैसे लोग हैं या जॉन बेल जैसे लोग हैं जिनका काम फिलॉसफी से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। आते हैं पॉपर की तरफ। पॉपर ने एक बड़ी चौंका देने वाली बात की थी कि आप किसी साइंसी थ्योरी को दुरुस्त नहीं साबित कर सकते, किसी साइंसी थ्योरी को दुरुस्त साबित नहीं कर सकते, आप उसे अलबत्ता गलत साबित कर सकते हैं। इसको फॉल्सिफिकेशन कहते हैं, और शायद आप इसकी तशरीह करना चाहेंगे। जी जी। अच्छा, इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी लंबी बात करूँगा। पहले हमें ये देखना होगा कि पॉपर से पहले क्या व्यू था कि साइंस है क्या। और हम में से जिन लोगों ने मैट्रिक या एफएससी की है तो आपको शायद याद हो कि किताब में साइंटिफिक मेथड पढ़ाया जाता था, पहले चैप्टर में ही होता था वो। तो वो साइंटिफिक मेथड जो है वो फ्रांसिस बेकन एक फ़िलासफ़र हैं, 16th या 17th century में उन्होंने पेश किया। और वो बेसिकली स्टेप्स बताते हैं कि साइंस किस तरह से काम करती है। तो उसमें पहला स्टेप आमतौर पर बताया जाता है कि ऑब्ज़र्वेशन है। आप पहले फितरी चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद फिर कई ऑब्जर्वेशंस के बाद आप फिर कोई हाइपोथेसिस, कोई मफरूज़ा पेश करते हैं, फिर आप उसके उस मफरूज़े को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट से वो मफरूज़ा और मज़बूत हो जाता है, फिर आप और एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप उसे एक लॉ का दर्जा दे देते हैं। और न्यूटन्स लॉ के बारे में, न्यूटन्स लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि ये इस तरह से बना। अब इसमें मसला ये है कि डेविड ह्यूम एक और फिलॉसफर था स्कॉटिश, उसने 18th century में इसकी इस पर जो है तनकीद की कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आप मुझे एक ही मफरूज़े के ऊपर 100 या लाखों कन्फर्मेशंस मुझे दिखा दें तो मैं ये कैसे मान लूँ लॉजिकली कि ये सही है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे लाहौर में बाय द वे कवे बहुत होते हैं, तो और कवे आमतौर पे काले होते हैं लाहौर में। तो मैं अगर इसकी बेसिस पे एक मफरूज़ा दे दूँ कि हर कवा जो है वो काला है, ठीक है, अब अगर मैंने इसको कंफर्म करना है तो मैं सारे काले कवे इकट्ठे करना शुरू कर दूं और फिर मैं कहूं यार देखो मैंने कोई 10 करोड़ काले कवे देख लिए हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये मेरा लॉ ठीक, ये एक लॉ बन गया कि कवे काले होते हैं। लेकिन अगर आप मुझे एक ऐसा कवा दिखा दें जो कि सफ़ेद है या काला नहीं है तो मेरा जो लॉ है वो वहाँ पर फॉल्सीफाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने पहले बात की कि एक कवा देखा, दो कवे देखे, 100 देखे, 1,000 देखे और उसके बाद मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी, इसको कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। तो ह्यूम का जो मसला था वो इंडक्शन से था कि लॉजिकली यानी मंतिक के मुताबिक ये हम साबित नहीं कर सकते कि इंडक्शन जो है वो काम करती, यानी ये जनरल स्टेटमेंट्स जो हैं ये डिसप्रूव हो सकती हैं। और अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई, किसी को कोई सवाल है तो पूछें प्लीज़। सर आप एग्री करते हैं? कंटिन्यू।
जी क्योंकि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में जी जी अच्छा एक और हाँ यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट सर के लिए कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज नॉट इंडक्शन, अगर आप मुझसे पूछें तो वो डिडक्शन है उसका नाम पहले बताएं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज है। अच्छा मैथमेटिकल इंडक्शन ये है कि कोई अच्छा मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ हैं उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, पहले तो ये क्लियर हो जाए बात। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये है कि आपके पास कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हैं ठीक है जिसको आप मान लेते हैं कि ये सच है ठीक है, उनको एक्सियम कहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप जैसे मिसाल के तौर पर एक कोई भी आप स्टेटमेंट ले लें किसी नंबर के बारे में कि क्या स्टेटमेंट होगी जी तो मैथमेटिक्स में आप कोई फार्मूला ले लें और आप ये कहें ये फार्मूला जो है ना ये नंबर n इज इक्वल टू 1 के लिए सच है ठीक है, आप उसको टेस्ट कर लें यानी उस पर फॉर्मली चेक कर लें, फिर आप n इज इक्वल टू 2 तो फिर n इज इक्वल टू 3, अब इसको अगर आप करते रहें और फिर आप जनरल स्टेटमेंट दे दें तो वो इंडक्शन बनेगी ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम करते ही हैं पहले n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, फिर n इज इक्वल टू n माइनस 1 लेते हैं और फिर वहाँ से जंप करके n इज इक्वल टू n के लिए प्रूफ करते हैं ठीक है। तो वहाँ पे हम जो बीच में स्टेप्स यूज़ अब बज़ाहिर तो ये इंडक्शन लगती है लेकिन बीच में जो हम स्टेप यूज़ करते हैं ना वो डिडक्टिव लॉजिक होता है, वो इंडक्टिव लॉजिक नहीं होता, तो देखने में वो इंडक्टिव है लेकिन है वो डिडक्टिव। तो मैथमेटिकल इंडक्शन पॉपर जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में कुछ नहीं कहता, वो काम पॉपर के स्टूडेंट लाकाटॉच का है, उस पर कभी बात करेंगे। थोड़ी सी वजाहत करूँ, जैसा कि नंबर्स ले लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + n, तो इनकी जमा बनती है हाफ n इंटू n प्लस 1। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए उन सब के लिए दुरुस्त है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के हवाले से प्रूफ नहीं बनता। प्रूफ बनता है अगर आप इसे अस्यूम करें ट्रू फॉर n और फिर उसमें n प्लस 1 डाल दें और अगर ये फिर भी दुरुस्त है तब आप कहते हैं कि हमें तसल्ली हो गई और अब हम इसे दुरुस्त मानते हैं। तो थोड़ी सी मैंने बताया जी जी बिल्कुल ठीक। तो सवाल क्या था इससे पहले जी ह्यूम की प्रॉब्लम। तो कार्ल पॉपर का अब जमाना जो है वो आपका सवाल है, आपने कहा कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो दरहकीकत डिडक्टिव है, ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने जो n इज इक्वल टू 1 वाला केस है वो अज्यूम कर लिया ठीक है, और उसके बाद जो आपके जो स्टेप्स हैं ना वो डिडक्टिव लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं ठीक है। यानी जब आप जैसे सर ने कहा कि n के लिए आपने वो प्रूफ कर दी है, फिर n इज इक्वल टू 1 पे जब आपने जाना है तो आपने वो पीछे वाले एक्जियम को यूज़ करना है, तो जो पीछे वाले एक्जियम को अज्यूम करके जब आप एक स्टेप लेते हैं तो वो डिडक्टिव स्टेप होता है ठीक है। वहाँ पे हम वो एक्जियम को सवाल नहीं कर रहे, अगर हम एक्जियम को क्वेश्चन करें तो फिर हो सकता है कि वो प्रूफ गलत हो, लेकिन मैथमेटिक्स उस तरह से काम नहीं करता। फिजिक्स जो साइंसेज हैं उसमें हम इस तरह से एक्जियम्स नहीं ले सकते ठीक है, उसमें हमें थोड़ा सा एम्पिरिकल इनपुट चाहिए होता है। तो चलिए इस पे लौटते हैं, आपने ये कहा कि एक थ्योरी ये है कि लाहौर के सारे कव्वे काले, तो आपने जमा किए और देखा के हैं काले, 500 जमा किए, 5000, 5,00,000, लेकिन अगर कोई कौवा किसी घर में किसी पिंजरे में बंद है आप उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकते तो फिर फॉल्सिफिकेशन इसकी हो नहीं सकेगी जी। फिर क्या करें, तो इसकी एक मिसाल बर्ट्रेंड रसल ने दी, उसने कहा कि फर्ज कीजिए कि एक चैनक है टीपॉट विच इज सर्कलिंग द सन, अब कभी आप इसको देख नहीं सकेंगे, कम से कम उस जमाने में जेम्स वेब तो नहीं था, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो नहीं है वहां पर या कि वो है, तो फॉल्सिफिकेशन यहां पर मुमकिन नहीं है जी। तो इज फॉल्सिफिकेशन स्टिल अ गुड वे ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ थियरी इज साइंटिफिक और नॉट। देखिए जो फॉल्सिफिकेशन की बात है ना वो उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने फॉल्सिफिकेशन किया या नहीं की, इट शुड बी पॉसिबल इन प्रिंसिपल ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में जाके आपको ऐसा कोई कवा नजर आ जाए, जब तक आपको वो कवा नहीं नजर आया
तब तक आपकी थियोरी कायम है, और लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दिस थियोरी इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, उस वक्त तक का आपका वो बेहतरीन नॉलेज है। अच्छा, इससे पहले मेरा ख्याल है कि मुझे वो बात मुकम्मल कर लेनी चाहिए कि पॉपर का आइडिया क्या था। अच्छा, तो पॉपर ने ये देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स इतने 200-300 साल से इतनी कामयाब है, हमारी सिविलाइजेशन उस पर खड़ी है, और फिर उसने देखा कि आइंस्टाइन जो है उसका एक बड़ा बोल्ड सा आइडिया है ग्रेविटी के बारे में, वो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, और फिर वो उसके टेस्ट भी प्रपोज कर रहा है, और वो टेस्ट उसके सामने हुआ एडिंगटन का जो था सोलर एक्लिप्स की ऑब्जर्वेशन। तो उसने ये देखा कि इतनी हमारी कामयाब थियरी, जिसको हम बहुत अरसे से जो है समझते थे कि यार इसको तो हम गिरा ही नहीं सकते, ये तो दिस इज़ द बेस्ट नॉलेज, वो एक नई थियरी आई है और उसने उसको बिल्कुल जो है उल्टा के रख दिया। तो पॉपर फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि आप किसी भी थियरी को प्रूव नहीं कर सकते 100%। अब क्लासिकल मैकेनिक्स वैसे तो कामयाब है, और वो और पॉपर ये नहीं कह रहा कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इट इज़ नॉट रियल, वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि इट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन टू रियलिटी, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो हमेशा प्रोविजनल है, इट इज़ नेवर फाइनल। और पॉपर का फिर यही बात है बेसिकली कि आपका नॉलेज जो है वो हमेशा प्रोविजनल है, साइंटिफिक नॉलेज वो है जो टेस्ट किया जा सकता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और टेस्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि आप उसको कन्फर्म करें, टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि उसको फॉल्सीफाई करें, और अगर वो टेस्ट सर्वाइव कर जाती है इसका मतलब है वो अच्छी थियोरी है। ये नहीं कि सही है लेकिन ठीक है बिल्कुल गलत नहीं है। तो इस बात पे मैं फिर से लौटूंगा कि कभी आप किसी साइंटिफिक थियोरी को दुरुस्त साबित नहीं कर सकते, आप उसे गलत साबित कर सकते, और जिसको आप गलत साबित नहीं कर सकते वो साइंटिफिक थियोरी है ही नहीं। बिल्कुल है ही नहीं। तो मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। मैं मिसाल दूं सर? चलिए आप मिसाल। अच्छा, पॉपर के जेहन में क्या मिसालें थी? देखिए, पॉपर उस टाइम में था, ही वॉज बॉर्न इन 1902 वियना में, ठीक है, पहले तो वो मार्क्सिस्ट था और उसकी PhD साइकोलॉजी में थी, तो फ्रॉइड और एडलर की जो साइकोनालिसिस का काम है उसे वो बड़ा इम्प्रेस था। तो पहले तो जो है मार्क्सिज्म से दूर हो गया, उसने देखा कि काफ़ी डॉगमेटिक हैं, और उस ज़माने में अभी भी शायद, लेकिन उस ज़माने में खास तौर पे जो मार्क्सिज्म है इसको एज अ साइंटिफिक थियोरी सेल किया जाता था। और अगर आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ें तो वो भी डार्विन से बहुत इम्प्रेस था, उसे लगता था कि हम हिस्ट्री की भी और सोशोलॉजी की भी ना साइंटिफिक थियोरी बना सकते। तो उसने अपनी थियोरी को फॉर्मुलेट ही ऐसे किया, बल्कि मैं अभी कल ही शहरयार मुझे कार्ल मार्क्स की द कैपिटल दिखा रहा था, उसके अंदर उसने बकायदा फॉर्मूले बनाए हुए हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे उसने ना कुछ मैट्रिसेस बनाने की कोशिश की हुई है। तो उसको ना, तो पॉपर के जेहन में ये मिसाल थी कि मार्क्सिज्म और साइकोअनालिसिस जो है इसमें और आइंस्टाइन की थ्योरी में बुनियादी फ़र्क क्या है, वो टेस्टेबिलिटी का है। और फिर एक और बात ये भी है कि चलें हम मान लेते हैं मार्क्सिज्म जो है साइंटिफिक है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद आप फिर उसमें एडहॉक इन्फॉर्मेशन डाल के एक नई थियोरी बना दें और फिर कहीं ये मार्क्स दें, तो ये पॉपर कहता है कि दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। तो साइंटिफिक थियोरी में भी अगर आपकी थियोरी, अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएं तो आप जो आपकी थियोरी को फॉल्सीफाई करें, तो आप उस थियोरी में कोई एड हॉक स्टेटमेंट ऐड करके उसको सेल नहीं कर सकते। यू हैव टू गो फर्दर, यू हैव टू ब्रिंग अ न्यू बोल्डर हाइपोथेसिस, यानी पहले की जो थियोरी है उसकी सारी सक्सेस भी आपकी थियोरी में असिमिलेट हो और वो उसे फर्दर भी जाए, और वो जो पिछली थ्योरी में नहीं कवर हो रहा था वो भी कवर करे, और फिर उसके टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर कट टेस्ट होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी थ्योरी फॉल्सिफाई हो गई है तो उसको आपने फेंक देना है। जब तक आपके पास बेहतर थ्योरी नहीं है जो कि ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करे, तब तक आप अपनी फॉल्सिफाइड थ्योरी के साथ ही रहेंगे। यानी आपने, और जो थ्योरी जितनी स्पेसिफिक है उतनी बेहतर है। अगर मैं कोई इस तरह की थ्योरी दूँ कि बारिश होगी, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, कभी ना कभी तो होगी, मैं और कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बारिश होगी या इस्लामाबाद में बारिश होगी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सच है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी, इस थ्योरी को मैंने इतना डाइल्यूट कर दिया है कि इट्स मीनिंगलेस, ठीक है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ कि कल के दिन इस रेंज 2 बजे से 4 बजे के बीच में बारिश होगी, तो ये एक साइंटिफिक क्लेम है जो कि वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है। वैसे वो साइंटिफिक थ्योरी में उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मिसाल के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ। तो ये फ़र्क है। मैं इससे ज़्यादा एक आसान मिसाल देना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी, एक तो ये कि सोसाइटी की बात हम थोड़ी देर बात करें। अरस्तू के ज़माने में
ये समझा जाता था कि पत्थर जमीन की तरफ इसलिए गिरता है कि पत्थर जमीन का बेटा है, जमीन माँ है, और हर बेटा जो है अपने अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। तो पत्थर के गिरने का सबब उसकी माँ है, उससे कुर्बत की खातिर, उससे नज़दीक होने की खातिर वो पत्थर नीचे गिरता है। अब बताइए क्या ये गलत है? अगर मैं आपसे पूछूंगा लोग ये गलत है कि पत्थर माँ की मोहब्बत में नीचे गिरता है, गलत है? Yes. हाथ ऊपर खड़ा करें जो इसको गलत समझता। साबित करें साबित करें कि पत्थर का दिल नहीं होता। पत्थर के दिल की का वजूद या अदम वजूद आप साबित नहीं कर सकते। अलबत्ता ये गैर साइंसी थ्योरी, साइंसी थ्योरी नहीं है, इसलिए कि इसमें कोई पेशेंट कोई नहीं है। आप बता नहीं सकते कि ये पत्थर किस रफ्तार पे गिरेगा, कितना वक्त लगाएगा यहाँ से यहाँ तक गिरने में। हाँ, हो सकता है कि पत्थर का दिल हो, हो सकता है कि वो माँ के लिए बिल्कुल परेशान हो, हो सकता है। आपको क्या पता? यू डोंट नो, यू कांट प्रूव अदरवाइज। सो दिस इज वाई दिस इज ए नॉन साइंटिफिक थ्योरी। लेकिन चलिए अब हम आते हैं सोसाइटी। एक बात मैं ऐड कर, अच्छा नॉन साइंस पॉपर ने ये तो फ़र्क बता दिया कि साइंस और नॉन साइंस में क्या फ़र्क है, लेकिन वो ये नॉन साइंस को डिसमिस नहीं कर रहा, यानी वो ये नहीं कह रहा कि नॉन साइंस बेकार, वो ये नहीं कह रहा कि सोसाइटी की थियोरी जो है ये साइकोनालिसिस है ये बेकार है। वो कह रहा है उसमें वैल्यू है लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है। और ये फ़र्क है पॉपर में और पॉजिटिविज़म में। पॉजिटिविस्ट लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो चीज़ आप टेस्ट नहीं कर सकते ना वो मीनिंगलेस है। तो पॉपर कहता है वो मीनिंगलेस नहीं है, यानी मिसाल के तौर पे मेटाफिज़िक्स जो है, मेटाफिज़िक्स बाय द वे फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है जिसमें हम उन चीज़ों की बात भी करते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन दिस इज़ नॉट साइंस, दिस इज़ नॉट फिज़िक्स। लेकिन वो ये नहीं कहता कि इसका मतलब, इसका वो पॉपर कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेटाफिज़िक्स बेकार है। और मेटाफिज़िक्स कई की चीज़ों की होती है। मेटाफिज़िक्स बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। हम टॉलरेंस, जस्टिस, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम, मतलब ये साइंस नहीं है, ठीक है। सोशल साइंसेज भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स नॉट साइंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका मायने नहीं है। इससे बहुत से सवाल खुलते हैं। पॉपर जिनों के बारे में क्या कहता है? जिन है कि नहीं है? क्या ख्याल है पॉपर क्या कहता है इसके बारे में? देखिए पॉपर अब डिपेंड करता है कि जिनों से, पॉपर का जो एक जो मसला है ना, यानी पॉपर को इस तरह के सवाल नहीं पसंद जिसमें आप कहते हैं कि इस चीज़ को डिफाइन करें या जिन क्या होता है। तो पॉपर कहेगा दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन। पॉपर इसके बदले ये सवाल पूछेगा कि जिन को अज्यूम करके आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। अगर जिनों से आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करें फिर बेकार है। अगर उससे आपके दिल को तसल्ली मिलती है या किसी को आपने डराना है तो फिर आपके फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन तो यानी पॉपर इसको ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं कहेगा। हाँ, बट यू आर अवॉइडिंग द क्वेश्चन। जो आपने पॉपर का तो ठीक है, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि दुनिया में सौ पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, किसी ने कहा कि जिन है कि नहीं है, या इस पर कुछ हुआ है कुछ किसी किस्म का? सिर्फ पाकिस्तानी साइंटिस्ट नहीं, यहाँ पाकिस्तान के अवाम में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ये एक मुसद्दका हकीकत है कि इससे तो आप इख्तलाफ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान के आउटसाइड, आई मीन पाकिस्तान में तो वी टॉक अंग्रेजी, और दुनिया में कहीं वेस्ट वगैरह में, मिस्र में है, मिस्र सर पाकिस्तान। जस्ट एक कमेंट था कि पॉपर के ख्याल में, मेरा ख्याल है चूंकि आप साबित नहीं कर सकते जिन्नात का वजूद, तो ये फालसिफाइबल है ही नहीं। जी जी, चुनाचे साइंस उस पे तो हम एग्री कर रहे हैं सर। तो चुनाचे साइंस नहीं है। नहीं सर, का सवाल ये था कि पॉपर क्या कहेगा जिन्नात के बारे में। अच्छा हाँ, जिन्नात पॉपर ये कहेगा ये साइंस नहीं है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटलिज्म और साइंटिफिक रियलिज्म, जी जी आई होप, जी जी, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म ये कहता है कि साइंस करने का मकसद जो है वो ट्रुथ या रियलिटी की तलाश नहीं है।
वो इंस्ट्रूमेंट यूजिंग साइंस एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. और रियलिज्म ये कहता है कि नहीं, साइंस की थ्योरी या साइंसदान का मकसद जो है वो ट्रूथ की तलाश होना चाहिए. फिर उसमें आगे आ जाता है कि नहीं, हम एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ नहीं पहुंच सकते लेकिन अप्रोक्सीमेट पहुंच सकते हैं. तो ये कार्ल पॉपर इंस्ट्रूमेंटलिज्म की तरफ है या रियलिज्म की तरफ? कार्ल पॉपर रियलिस्ट हैं, ठीक है. और अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ी सी अपनी प्रेफरेंस बता दूँ, अब ये थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी, लेकिन रियलिज्म में भी ना कई, अब उसमें भी कई ट्रेंड्स हैं. तो अब तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किस तरह की मेटाफिजिक्स को पसंद करता हूँ, मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हम कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ें बेकार हैं. तो फिर आपको ये सवाल आता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो हमारी मेटाफिजिक्स है वो एक अच्छी और रैशनल मेटाफिजिक्स है. तो उसमें मेरी सजेशन ये है कि आपकी साइंस जो आपको बता रही है ना, उससे आप अपनी मेटाफिजिक्स में ना थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लें, ठीक है. तो आपकी अगर मेटाफिजिक्स साइंटिफिक है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत, और उसमें फिर जिनों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है. तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत मेटाफिजिक्स आपकी. अगर रियलिज्म की बात है तो फिर जैसे सर का क्वेश्चन है कि मिसाल के तौर पे साइंस ये कहती है कि बीमारियां जो हैं वो जर्म्स की वजह से होती हैं, जी जी, और हमारे यहाँ के लोग ये कहते हैं नहीं, जिनों की वजह से भी होती हैं. अब मसला ये है कि एक ही चीज़, एक ही फिनोमेना को साइंस भी एक्सप्लेन कर रही है और नॉन साइंस भी एक्सप्लेन कर रही है. तो अगर हम ये बात कह दें कि साइंस को नॉन साइंस से कोई मसला नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि कार्ल पॉपर को नॉन साइंस से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो मैंने मिसाल दी कि एक ही फिनोमेना को साइंस और नॉन साइंस भी एक्सप्लेन कर रही है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसमें आप कॉन्ट्रडिक्शंस को अवॉइड करें, और पॉपर की जो थियोरीज हैं उसमें वो कोशिश ये करता है कि कंसिस्टेंट आपका वर्ल्ड व्यू अगर कंसिस्टेंट है तो वो बेहतर है. मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि साइंस को नॉन साइंस से, इन प्रैक्टिस तो कोई मसला नहीं है. एक डॉक्टर जो जिनों पे बिलीव करता है, अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो दवाई वो वही देगा आपको, ठीक है. तो इन प्रिंसिपल कोई मसला नहीं है, यानी प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट को या प्रैक्टिसिंग एक प्रैक्टिशनर को कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बंदा जिसका इल्म से ताल्लुक है, जो रिसर्च करता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसका वर्ल्ड व्यू जो है ना, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस कम से कम हो. और फिर एक और बात यह है कि साइंसेस में वैसे हम बंटवारा तो हमने खुद किया हुआ है, लेकिन वैसे तो नॉलेज की कोई, कुदरत में तो हमें कोई ब्रांच नहीं मिलती ना कि किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो कि यार ये सिर्फ फिजिक्स से एक्सप्लेन होगी या ये केमिस्ट्री से एक्सप्लेन होगी. तो अच्छी फिलॉसफी वही है जो कि ये आर्टिफिशियल जो बाउंड्रीज हैं ना, इसके ऊपर होती है, ठीक है. तो अगर आपने मेटाफिजिक्स भी करनी है, तो अगर आप साइंस के नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी मेटाफिजिक्स को डायरेक्ट करें तो वो बेहतर होगी, और उस मेटाफिजिक्स का फिर आपकी साइंस को भी फायदा होगा. और यही वजह है कि मेरा फिलॉसफी में है इंटरेस्ट. मेरा ख्याल है इनका जो सवाल है ना जी, इस पर कुछ ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है. तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैं शिफा हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, तो एक गरीब आदमी आया मेरे पास, उसने कहा कि ये ज़रा पढ़ के सुनाए कि डॉक्टर ने क्या लिखा है. तो उस पर वो एक बिल बना हुआ था, वो बिल कोई 22,000 रुपये का था, और जिसमें 6,000 रुपया सदक़े पे था, बाकी बिल जो था वो मुख्तलिफ दवाओं पर था. तो अब ये बात यहाँ, उससे हम भाग नहीं सकते. जो अब बात आपने उठाई थी उसके बड़े प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं. क्या उस शख्स का मर्ज इसलिए है कि कहीं उसने कोई गलत काम किया, या और उसका मदावा करने के लिए उसे ये सदका देना है, खैरात देनी है, या ये कि जरासीम है, कोई अंदर ग्रोथ है, जिस्म के अंदर कोई खराबी है? इट कांट बी बोथ. जी तो इस मामले में मेरा ख्याल है कि हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ये कहने में कि भाई अगर आप अस्पताल आए हैं तो फिर आप दवाओं से इलाज करें, अगर आपको अपनी आकबत ठीक करनी है तो फिर आप सदका दें, बट इट विल नॉट हेल्प यू. सदका देने से इट विल नॉट हेल्प यू. और इसकी एक और मैं मिसाल देता हूं आपको. लम्स में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और उनका कहना है कि सूरह यासीन पढ़ने से हर मर्ज का इलाज हो जाएगा, बशमूल कैंसर
और उनका इन्फ्लुएंस इस कदर ज़्यादा है कि शिफा हॉस्पिटल में अब एक कमरा उसके लिए मखसूस किया गया है। सूरह रहमान। यस, ये उनके फेसबुक के ऊपर भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं कि सूरह रहमान पढ़ने से, और उसकी वो ये तौजीह देते हैं कि इससे नए जीन्स बनते हैं जो कैंसर को काटते हैं, और ही इज अ मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट लम्स। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, एक तो ये है कि कैन यू टेक बोथ Together? नहीं, एक तो मैंने पहले आपको कह दिया कि कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन बेहतर है। अच्छा, इस केस में तो वो क्लियरली इसको साइंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि उसमें जीन्स बनते हैं, तो इस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर दें, और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मेरे मुताबिक तो वही आएंगे जो कि हम सबको पता है, ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि नए जीन्स बनते हैं, तो ये तो फॉल्सिफाइबिलिटी उन्होंने दे दी ना। अगर 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 फॉल्सिफाई हो गया, फॉल्सिफाई तो होने के बाद आपको थ्योरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बेहतर एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मुझे पता है वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अब अगर वो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले आए कि नहीं, जीन्स नहीं बनते, वो जीन्स के साथ कुछ और होता है, उसमें फ़र्क आता है, अब इन प्रिंसिपल वो भी टेस्टेबल है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर साइंस। आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इतनी ठोस होनी चाहिए कि अगर आपने उसका टेस्ट किया है तो वो गलत साबित हो जाए, ठीक है। तो इसलिए और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो थ्योरी है वो क्लियरली आपने एक्सप्लेन की हो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये थ्योरी गलत कैसे साबित। अगर आप थ्योरी को सिर्फ कंफर्म करने में लगे रहें, फिर तो मतलब मिसाल के तौर पे वही साइंटिस्ट अगर एक्सपेरिमेंट करें, और कुछ लोग, क्योंकि बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कुछ लोग हो सकता है वैसे ही ठीक हो जाएं, और उसमें से वो कहें कि नहीं, जो लोग ठीक हुए हैं ना, मैंने सिर्फ वही डाटा दिखाना है, ठीक है, तो कहने का तो वो कन्फर्मेशन है, लेकिन दिस इज़ बैड साइंस अगेन, क्योंकि वो सिर्फ कंफर्म करने की नीयत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो फॉल्सिफाई करने। तो अगर आप फॉल्सिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह की बेईमानी भी नहीं करेंगे कि मैंने सिर्फ अपनी पसंद के केसेस जो हैं वो चेरी पिक करने हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्ल पॉपर ये कहना चाह रहे हैं कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी बिल्ट अपॉन इज़ नॉट साइंस और इज़ नॉट यूजफुल। बिल्ट अपॉन से क्या मुराद है? क्या मतलब आप उस पर फर्दर कुछ नॉलेज नहीं ऐड कर सकते? मुझे सॉरी, इसको आप कुछ और इसकी कोई एग्जांपल दोगे मुझे? साइंस से, फॉर एग्जांपल, हमने साइंस पहले हमने ली के साइंस की बेसिस से शुरू किया, फिर हम पहुंच गए क्वांटम मैकेनिक्स पे, इस तरह के इसके ब्रांचेस ग्रो कर गए। सो आई थिंक दैट कैन नॉट बी बिल्ट अपॉन फर्दर और कैन नॉट हैव न्यू कॉन्सेप्ट्स इज नॉट साइंस, इज ही ट्राइंग टू से कॉल पॉपर? ही इज सेइंग दैट एक्चुअली, जब वो कहता है कि नॉलेज हमारा कभी भी फाइनल नहीं है, ठीक है, और वो फिर इसको प्रॉब्लम से जोड़ता है। वो आप देखते हैं कि आपका जो नॉलेज है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी जो एक्सप्लेन नहीं हो रही, फिर आप नई थियोरी देते हैं, ठीक है, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उस टेस्ट करने के बाद जो आपके पास थियोरी आती है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कार्ल पॉपर ये कह रहा है कि साइंस कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, और ये अच्छी बात है आपके लिए, मेरे लिए, कि हमारे पास कुछ और साइंस करने के लिए होगी, वरना तो हो सकता है अगर साइंस मुकम्मल हो जाए फिर तो दुनिया बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो कार्ल पॉपर यही कह रहा है कि, और उसकी जो बायोग्राफी है ना, उसका नाम भी यही है, अनएंडेड क्वेस्ट, ठीक है, कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इसमें गुंजाइश है। मैं थोड़ा सा बताऊं, इस वक्त पार्टिकल फिजिसिस बहुत डिप्रेशन में मुब्तला है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है वो इतना मजबूत है क्योंकि टूट नहीं रहा, तो उसको इधर से ठोकते हैं, उधर से बजाते हैं, ये टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, हर टेस्ट को वो पास कर रहा है। तो यू आर वेरी राइट, साइंस इज अ बिल्डिंग दैट इज ऑल द टाइम बिल्डिंग अप। तो जब वो ग्रो करना रुक जाती है ना, तो फिर साइंटिस्ट बड़े वो फिर मायूस हो जाते हैं, उनको दे नीड टू बी मोर पेशेंट। बट यस, यू रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। आई मीन दिस वाइडली, जो होम्योपैथी है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सो मैनी दे वुड गो फॉर इट कि नहीं, ये करती है, ट्रीट करती है, ये होता है, एक्चुअल है, एंड दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान बट द वर्ल्ड ओवर। इस पर थोड़ा सा उसमें अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो अपनी
जो उनकी जो थियोरी है ना उसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। एक तो उनके आपस में कंसेंसस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जो हम बात कर रहे हैं ये मेडिसिन पे इतनी आराम से अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मेडिसिन में जब कोई मिसाल के तौर पे कोई वैक्सीन बनी है उसके कितने सारे टेस्ट हुए हैं, और उसमें टेस्ट इस तरह के नहीं होते कि फॉल्सिफाई करना है, उसमें हम कंफर्म करते हैं ज़्यादातर कि देखिए 90% एफिशिएंट था, 60% एफिशिएंट था। तो मेडिकल साइंस में ये थोड़ी सी उस मामले में आउटडेटेड है, तो इस ये आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई नेचुरल साइंस की थ्योरी है ना तो उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेडिकल साइंस, उसको साइंस कहना भी शायद मुनासिब नहीं है इस डेफिनेशन के मुताबिक, कि उसमें आप कोरिलेशंस देख रहे हैं कुछ दवाइयों के, ठीक है, जो कि अच्छी साइंस है, उसकी बेसिस में भी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दवाइयाँ बनती हैं और कुछ गलत दवाइयों से भी इलाज हो जाते हैं, तो वो एक तरह की वो कोरिलेशंस हैं उसमें, तो वो दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। जी नहीं नहीं, नहीं एक सेकंड, इस पॉइंट पे मैं कुछ इंटरवीन करना चाहता हूँ। देखें, कभी भी आप ये नहीं कहते कि हमने कोई नया पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, आप कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए जो उसको साबित करता है टू दिस डिग्री ऑफ प्रिसिशन। मिसाल के तौर पर हिग्स पार्टिकल, जिसका इतना बड़ा चर्चा था, व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड टू एक्यूरेसी 97.3%, इसको सिग्मा इक्वल्स 5.5 कहते हैं स्टेटिस्टिक्स की जबान में, तो तब आप डिस्कवरी अनाउंस करते हैं। ये एक पॉलिसी है, ये पॉलिसी ग्रेविटेशनल वेव्स पर भी लागू हुई थी, ये पॉलिसी हिग्स बोसॉन पर भी हुई थी। जब आप किसी दवा को टेस्ट करते हैं तब आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि अगर कंट्रोल ग्रुप और एक्चुअल ग्रुप, एक को प्लेसिबो दिया जाता, एक को एक्चुअल दवा दी जाती, फिर आप देखते हैं कि टू व्हाट कॉन्फिडेंस लेवल डिड यू अचीव अ क्योर। मेडिसिन इज जस्ट एज साइंटिफिक एज पार्टिकल फिजिक्स। तो इससे मेरा बहुत ओके, आई कैनॉट एग्री टू दैट। देखें, मेडिसिन इज बिल्ट अपॉन वेरी साइंटिफिक ग्राउंड्स। उसमें आप देखते हैं कि केमिकल्स का क्या असर होता है मुख्तलिफ एंजाइम्स के ऊपर, मुख्तलिफ बैक्टीरिया के ऊपर, वायरसेस के ऊपर, और यही सबब है कि आज हम 80-90 साल तक जीते हैं, पहले तो 40 साल की उम्र में मर जाते थे। ये इस बात की दलील है कि हाँ, मेडिसिन इज़ वेरी साइंटिफिक। होम्योपैथी इज नॉट साइंटिफिक, वो इसलिए हो सकता है कि नीम का पत्ता चबाने से आप ठीक हो जाए, हो सकता है, लेकिन उस पर कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं, उस पर कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, कोई कहीं पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए इसकी एफिशिएंसी या नॉन एफिशिएंसी साबित करने के लिए। जी बिल्कुल, उनका सबका एक इलाज है जो कि हमारे हीरो फिलोसोफर ने कहा है, वो था पायरो, अलेक्जेंडर के ज़माने में, उसने कहा स्केप्टिसिज्म का, उसका फिलॉसफी पूरी स्केप्टिसिज्म की थी कि हर चीज़ पे आप डाउट करें और उस यहाँ से शुरू करें, बेसिक प्रेमिस यही है। और इसको तफसील से बटन रसेल ने अपने स्केप्टिकल एसेज में लिखा है इसके ऊपर कि ये मेथड होना चाहिए, ये मेथडोलॉजी होना चाहिए कि आप हर चीज़ के ऊपर डाउट करें और उसके बाद फिर आप उससे प्रोग्रेस करें आगे। जी तो ये आपका जितनी भी सब प्रॉब्लम्स आपने बताई, ये यहाँ इससे अगर आप इस मेथड से शुरू करें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो अरिस्टोटल की जो बात की, अरिस्टोटल की तो बेशतर उसकी थ्योरीज गलत साबित हो चुकी हैं। फ्रॉयड की जो कि अपने ज़माने में ये लोग बड़े नामवर थे और बड़े ऑथेंटिक समझे जाते थे, अरिस्टोटल के भी, फ्रॉयड के भी, इन सब की बेशतर थ्योरीज गलत साबित हो चुकी हैं। आपने जो टर्म बताई, क्या स्केप्टिसिज्म कह रहे हैं? स्केप्टिसिज्म, अच्छा, और वो बर्टन रसेल के हैं स्केप्टिकल एसेज। जी जी। तो वो उसका एक उसने प्रीफेस में लिखा है, एक वाक्या लिखा है कि पायरो का एक स्टूडेंट जो था वो गुजर रहा था, पता चला कि पायरो गिर गया है किसी गार में और वहाँ से चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प हेल्प,
तो वो उसका स्टूडेंट पहचान गया, तो वो वहाँ रुका गार के दहाने पे, और ट्रेंच थी एक, तो वहाँ दहाने पे रुका और सोचता रहा कि इसका बाहर लाना बेहतर है या यहीं रहना बेहतर है इसका, सोचता रहा फिर कुछ तय नहीं कर पाया तो चला गया। वो बड़ा सही मानो में उसका शागिर्द था, बड़ा स्केप्टिकल था वो, तो वो चला गया तो लोगों ने बड़ी उसकी लानत मलामत की कि तुमने अपने उस्ताद के साथ ही किया। लेकिन पायरो जब निकला ट्रेंच से तो उसने बड़ी इसकी तारीफ़ की कि ये सही मानों में हमारा शागिर्द है जो इतना स्केप्टिकल था कि उसे मालूम ही था कि हमें बाहर लाना बेहतर है या यहीं छोड़ देना बेहतर। देखें ये स्केप्टिसिज्म से मुख्तलिफ है, और जो आपने अब जो कहानी बताई उसी से ही स्केप्टिसिज्म का क्रिटिसिज्म निकला था कि अगर आप हर चीज़ को ही डाउट करना शुरू कर दें फिर तो आप ना साइंस करेंगे, फिर तो आप अगला कदम भी नहीं उठाएंगे। बर्टन रसेल ने इसके ऊपर बहुत तफसील से लिखा है कि आप पहली बात तो ये कि आप ये उसकी गुंजाइश रखें कि गलत हो सकता है, स्केप्टिक हों, और दूसरी ये है कि अगर दो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जो है वो डिफर करे तो अपना जजमेंट सस्पेंड कर दें, जैसे गॉड की प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर है, तो उसमें आप अपना जो जजमेंट है उसे सस्पेंड कर दें जब तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश ना हो जाए साइंटिफिकली। ठीक है, ये है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा। आपने दो, एक तो बात की आपने एक्सपर्ट्स की, दूसरा इस्टेब्लिश हो जाए साइंटिफिकली, प्रूव हो जाए। हाँ, तो पहली तो बात हम ये कह रहे हैं कि प्रूव हो नहीं सकता। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा हो सकती बहुत सी चीज़ें। दूसरी बात, आप जो इस्टेब्लिश होने की या एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो पॉपर के मुताबिक अगर पूरी कम्युनिटी भी एक एक साइंटिफिक लॉ पे एग्री कर जाए ना, दैट इज़ स्टिल नॉट इनफ टू कंसिडर इट ट्रू। मतलब वो भी काफ़ी नहीं है, हो सकता है मेजॉरिटी की जो कंसेंसस है वो भी गलत हो। तो नहीं, वो आप मान लें, सॉरी, वो आप मान लें उस वक्त तक जब तक वो डिसप्रूव ना हो, वो चीज़ जब एक्सपर्ट्स एग्री कर जाए वो मान लें आप, बिल्कुल, जब तक डिसप्रूव ना हो तो वो फिर वो स्केप्टिसिज्म जो है उसकी थ्योरी जो है वो उसमें बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं। लेकिन एक और बात ये भी है कि मतलब आपकी जो जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी एग्री करेगी तो फिर वो एस्टेब्लिश होगा। तो ये थोड़ा सा वो थॉमस कुन की तरफ बात चली जाती है कि एक पैराडाइम एक बन गया है, और क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स एक ही बात कर रहे हैं तो दैट शुड बी द ट्रूथ। तो ये हाँ, तो ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन है ये सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है साइंस की, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं वो मेथड की बात कर रहे हैं कि मेथड क्या है, और हो सकता है जो बहुत से साइंटिस्ट हों जिन्होंने कार्ल पॉपर का नाम ना सुना हो, जिनको पता भी ना हो कि हम क्या बात कर रहे हैं ये टोटल, और लेकिन ये थ्योरी जो है वो उनके काम को भी एक्सप्लेन करती है। मतलब ये साइंस किस तरह से काम करती है या साइंस का लॉजिक क्या है रिसर्च का, वो है। एक साइंटिस्ट को हो सकता है लगता हो कि यार मैं तो इंडक्शन ही इस्तेमाल करता हूँ और इंडक्शन ही चलेगी, तो वो उसकी अपनी साइकोलॉजी है, ठीक है, और हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हो सकता है कुछ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को लगता हो कि यार मेरे ऊपर तो वही आती है, मुझे ख्वाब में साइंटिफिक थियोरीज आती हैं, जैसे रामानुजन कहता था। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमारा जो गर्ज है वो सिर्फ थियोरी के कॉन्टेंट से है और क्या वो टेस्टेबल है, क्या वो फलसिफाइबल है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट का जो भी किरदार हो, जो भी साइकोलॉजी हो, वो मीनिंगलेस है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। सो मेरा ऐसे लगता है जैसे जब विलियम हर्शल ने गैलेक्सी का मैप बनाने की कोशिश की तो इनसाइड आउट बेसिकली एक अप्रोच नज़र आई कि वो गैलेक्सी के बाहर जाके गैलेक्सी की तस्वीर तो नहीं खींच सकते थे, हम अभी भी नहीं खींच सकते। तो जो नॉलेज बिल्डिंग है साइंस के मेथड के ज़रिए, तो ऐसे लगता है गालिबन कि वो हम वो भी एक ऐसे इनसाइड आउट अप्रोच है। हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन से कैवियाट्स हैं ऑफ दिस अप्रोच जिनको हमें जहन में रखना है जब जब हमने साइंस का मेथड इस्तेमाल करना है। ये बहुत अच्छा सवाल था, मेरा ख्याल है अब तक का मेरा फेवरेट सवाल है ये उसकी। अच्छा, इसका जवाब बड़ा मजे का है। इसका जवाब ये है कि आपके हाइपोथेसिस निकालने का कोई मेथड नहीं है। आप जितने मर्जी क्रिएटिव हो जाएं, आप यहाँ इस पॉइंट पे ना, जब आप साइंटिफिक थ्योरी पेश कर रहे हैं, या चले हम उसको हाइपोथेसिस कह लेते हैं, उस वक्त आप एक आर्टिस्ट की तरह हैं। अब ख्याल आपने ये रखना है कि यार जो पीछे वाला डेटा है वो भी एक्सप्लेन हो और वो टेस्टेबल भी हो, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन
अब आइंस्टाइन जब रिलेटिविटी पे काम कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे ही है जैसे कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, तो वो एक इट्स अ बोल्ड लीप ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, और वो जो उसका एक्सपेरिमेंट होगा वो फिर उसको, यानी वो एक तो उसको प्रेजेंट भी इस तरह करना कि वो टेस्ट हो सके, और जब गलत साबित हो गई है फिर उसको छोड़ के आगे निकलें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बड़ी, और ये शायद हमें इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि साइंस जो है वो एक बहुत क्रिएटिव अमल है, ठीक है, और ये हम सब कर सकते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है आपको नॉलेज तो चाहिए, आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, लेकिन जो नॉलेज बिल्डिंग का जो पहला स्टेप है ना, वो बहुत क्रिएटिव स्टेप है। तो और इस कार्ल पॉपर की किताब का नाम भी यही है, एक और किताब है उसकी, कंजेक्चर्स एंड रेफ्यूटेशंस। तो ये जो हाइपोथेसिस बिल्डिंग है ना, इसको वो कंजेक्चर कहता है, यानी इट्स अ गेस, और वो गेस हो सकता है आपको ख्वाब में कोई, हो सकता है कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिली हो। अब्दुल सलाम कहते थे कि उनको वो कुरान से इंस्पिरेशन मिली है, तो वो इंस्पिरेशन जहाँ मर्जी से आए, बाद में फिर सवाल है कि कंटेंट कितना मजबूत है, और वो आप एक्सपेरिमेंट से करेंगे टेस्ट। तो साइंस का कोई मेथड नहीं है सिवाय इसके कि वो टेस्टेबल हो और क्लियर हो। मेरे एक कमेंट वजाहत करना चाहूंगा, देखिए हर चीज का ऑब्जर्वेबल होना जरूरी नहीं है। आपने कहा कि हाउ डज नॉलेज बिल्डिंग टेक प्लेस, आप इस गैलेक्सी मिल्की वे की तस्वीर बाहर से तो ले नहीं सकते। तो इससे मिलती जुलती एक और मिसाल, वेव फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में जो इमेजिनरी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लेकिन इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, उसे हम बाय डेफिनेशन कभी देख नहीं सकते। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स की का बुनियादी ऑब्जेक्ट है वेव फंक्शन, बड़ा खूबसूरत सिंबल है साय, ग्रीक साय, उसे आप देख नहीं सकते, आपकी पूरी कोशिश होती है उसको कैलकुलेट करने की। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं हम कहते हैं कैलकुलेट साय, स्टूडेंट ने सही कैलकुलेट कर दिया, रिसर्चर ने सही मालूम कर लिया, गुड। इसलिए कि साय जानने से आप फिर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप एक टेस्टेबल क्वांटिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसको फिर जाकर आप लैब में टेस्ट कर सकते हैं। सो एवरी इंटरमीडिएट स्टेप डज नॉट हैव टू बी टेस्टेबल। हम ये देखते हैं कि दूसरी गैलेक्सीज हैं और हम देखते हैं कि अपने अतराफ में सितारे हैं, तो उस तरह से नॉलेज बिल्डिंग हुई गैलेक्सीज की, वी नो वी कांट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। आई हैड क्वेश्चन बेसिकली, सो पॉपर ने ये डेफिनेटली कहा कि साइंस फॉल्सिफाइबल अगर नहीं है तो वो साइंस नहीं है, उसको फॉल्सिफाइबल होना चाहिए। किरकेगार ने भी यही कहा कि साइंस तो एजम्पशंस पे बेस करती है, और अगर हम वो एजम्पशंस निकाल दें तो जो आपकी थ्योरी है वो इट गोज अवे, राइट। सो किरकेगार ने भी यही कहा, पॉपर ने भी यही कहा कि साइंस अगर फॉल्सिफाइबल नहीं है तो वो साइंस नहीं है, आप इसको फॉल्सिफाइबल बनाएं, साइंटिस्ट में इतनी यू नो वो होनी चाहिए ओपन हार्टेडनेस के वो इसको एक्सेप्ट करें कि हम, हमारी कोई भी थ्योरी किसी भी पॉइंट पे गलत साबित हो सकती है और एक नई थ्योरी आ सकती है। तो आप क्या एलैबोरेट कर सकते हैं कि पॉपर और किरकेगार की थ्योरीज में क्या कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस है? अच्छा, मैंने किरकेगार को बहुत करीब से नहीं पढ़ा, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क है पॉपर में और किरकेगार में। तो आप कह रहे हैं कि किरकेगार ये कह रहा है कि वो कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस अगर गलत साबित हो गई तो फिर वो थ्योरी जो है डूब जाएगी। पॉपर दैट इज वन ऑफ हिज पॉइंट्स, बट द अदर वाज के साइंस नहीं है अगर वो फॉल्सिफाइबल नहीं है, अगर उसके ऊपर आप और बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि नहीं जी यही ठोस मेरी थ्योरी है, यही प्रॉपर थ्योरी है, यही बेस्ट द ट्रूथ थ्योरी है, तो मैं उसमें पॉपर की बात आपको बता देता हूँ। तो पॉपर तो यही कह रहा है कि ट्रूथ जो है ना, आप कभी भी ट्रूथ तक नहीं पहुँचेंगे, आप उसके करीब से करीब जा सकते हैं। और इसकी मिसाल के तौर पे जैसे आप एक फुट रूलर लें तो उस पर आप कहें मुझे कि एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर्स पे जाना है, ठीक है, तो आप
उसके करीब से करीब जा सकते हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि वो कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगी और आपके आपकी आंखों की भी एक लिमिट है आप उस, तो 5 सेंटीमीटर जो है एग्जैक्टली वो एक इट्स अ, वहाँ तक आप नहीं जा सकते। तो पॉपर की थ्योरी भी इस तरह की है नॉलेज की, कि आप नॉलेज से करीब से करीब तक जा सकते हैं, और ये अच्छी बात है अगर फॉल्सिफिकेशन हो, ये इस पर तो साइंसदान को और खुश होना चाहिए कि इसका मतलब है कि हमारे पास अभी गुंजाइश है बेहतर काम करने की। तो पॉपर का तो ये है, कीर्केगार्ड का मुझे नहीं पता। पॉपर का अंग्रेज़ी में जो पॉपर की पहली किताब छपी वो 1945 में छपी, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गई थी, और तो पॉपर की किताब का टाइटल था दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। और ये किताब पॉपर ने तब लिखना शुरू की जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया था, और पॉपर का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था, लेकिन पॉपर उससे पहले न्यूजीलैंड आ चुके थे। और तो इन, तो पॉपर कहते हैं कि ये जो मेरी किताब है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, ये बेसिकली दिस इज़ माई वॉर एफर्ट। और उस, और द प्रॉब्लम ही वॉज ट्राइंग टू सॉल्व वॉज के एक सोसाइटी जिसमें नॉलेज पे भी काम हो रहा है और इतना अच्छा, मतलब वर्ल्ड वॉर टू को देखने के, वर्ल्ड वॉर वन को देख, वन और टू देखने के बाद पॉपर का सवाल ये था कि ये अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं, ये फासिस्ट टेंडेंसीज जो हैं, ये क्यों आ रही हैं यूरोप में और इससे किस तरह से बचा जाए, ठीक है। तो ये उसका सवाल था, और इसमें फिर पॉपर ने कुछ इस तरह के सवाल एड्रेस किए हैं पॉलिटिकल साइंस किए, कि आमतौर पर पॉलिटिकल साइंस में सवाल पूछा जाता है हु शुड रूल। तो पॉपर के मुताबिक दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, पॉपर के मुताबिक अच्छा सवाल ये है कि अगर रूलर अच्छा नहीं है तो उसको रिमूव किस तरह किया जाए विद मिनिमल ब्लडशेड और मिनिमल वायलेंस। तो पॉपर कहता है कि डेमोक्रेसी का मकसद जो है वो ये होना चाहिए, और अगर हम इसको और फिर उसको ओपन सोसाइटी, वो इस तरह से कह रहा है कि ओपन सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पे पॉपर की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसको प्रमोट किया जाए, यानी जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जहाँ पे आप, अब चलें जो पॉपर की जो साइंस की जो मैंने आपको बताया कि कंजेक्चर है, रेफ्यूटेशन है, ये चीज़ वो फिर सारे नॉलेज पे अप्लाई करता है। वो कहता है कि कोई भी एरिया ऑफ नॉलेज है, सोशियोलॉजी का नॉलेज है, सोसाइटी का नॉलेज है, वहाँ पे हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो अपने इर्द गिर्द देखे, सवाल उठाए, ठीक है, फिर वो चाहे तो कोई थियोरी भी पेश कर सकता है, और फिर ही शुड बी एबल टू बी क्रिटिसाइज्ड, और क्रिटिसिज्म का हक सबको हासिल होना चाहिए। और जाहिर है फिर सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट हक ये है कि जो आपका रूलर है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसको क्रिटिसाइज़ करने का हक सबको हासिल होना चाहिए। तो पॉपर इस तरह के सवालों को एड्रेस कर रहा है, और जब वो कहता है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, तो एनिमीज़ से मुराद वो, उसने प्लेटो और मार्क्स को क्रिटिसाइज़ किया है। प्लेटो को इसलिए कि प्लेटो की अगर आप रिपब्लिक पढ़ें या उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ें, तो उसमें ऐसा लगता है कि प्लेटो जो है वो कह रहा है कि कुछ वाइज मैन होने चाहिए जो कि ऊपर आके रूल करें, और उनको आपने क्वेश्चन नहीं करना और एक स्टैटिक सोसाइटी मेंटेन रखनी है। और मार्क्स को इस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि मार्क्स ने एक पेशन गोई कर दी है, जो कि पहली बात है साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, तो साइंटिफिक नहीं है तो प्रॉबेबली गलत है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो उस पेशन गोई को डॉगमा बना के इतने सारे लोग जो हैं वो उनके साथ जो है ज्यादती हो रही है, और फिर जब चलें रेवोल्यूशन आ गई उसके बाद आपने एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बना दी, तो फिर लोगों से क्रिटिसाइज़ करने का हक छीना जाएगा, आज़ादी छीनी जाएगी। तो इस तरह से वो मार्क्स और प्लेटो की फिलॉसफीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लेकिन वो मार्क्स और प्लेटो की जो नीयत है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा। वो प्लेटो की, पॉपर की एक ये भी खसूसियत है कि जब वो किसी फिलासफ़र को या किसी थियरी को क्रिटिसाइज़ करता है तो वो उसके ना बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है और फिर क्रिटिसाइज़ करता है, वो वीक आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, क्योंकि उससे फिर डिस्कशन आगे नहीं बढ़ती। तो यहाँ सर कोई अगर सवाल हैं तो आप करें। हाँ देखें, जो मार्क्सिस है वो ये कहेंगे कि पॉपर ने मार्क्स को मिसरिप्रेजेंट किया है। मार्क्स ने ये नहीं कहा कि यूटोपिया पर आप कल पहुँचेंगे, वर्कर्स पैराडाइज पर आप कल पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे आगे कहीं, क्या पता 100 साल लग जाए, 500 लग जाए, 1000 लग जाए, लेकिन जो इंसानी तरक्की की समत है वो इस तरफ कैपिटलिज्म से जो
रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, उससे फैक्ट्रियां लगती हैं, उससे मजदूर, उससे प्रोलेटेरियट बनती है, और फिर बिल आखिर प्रोलेटेरियट आम आवाम ऊपर उठ खड़े होंगे और वो अपने हुकूक मांगेंगे और इस तरह से सोशलिज्म आएगा, इस तरह से कम्युनिज्म आएगा। अच्छा चलिए, ये एक नज़रिया है जो सही होते हुए मुझे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन मार्क्सिस्ट जो कट्टर मार्क्सिस्ट है वो कहते हैं कि वो इसमें अब भी यकीन रखते हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें हैं जो पॉपर ने की हैं जो असल में मार्क्स ने नहीं कही थी, लेनिन ने कही थी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, और ये कि रियासत का टोटल कंट्रोल होना चाहिए लोगों के ऊपर, ये बात मार्क्स ने नहीं कही थी। तो जो ओपन सोसाइटी की क्रिटिसिज्म है पॉपर की, मेरा ख्याल है दैट इज समवॉट मिसप्लेस्ड। ओके, इतनी जल्दी नहीं, आपने मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया, तो आई विल प्रोबब्ली रीड मोर अबाउट इट। बुनियादी बात यह है कि इज देयर सच अ थिंग एज यूटोपिया। अब यूटोपिया एक ऐसी खूबसूरत जगह है, जन्नत की तरह है, जहाँ हर चीज हर एक को मयसर होगी, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, जहाँ दर्द तकालीफ कुछ नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो यूटोपिया का ख्वाब तो बहुत पुराना है, टॉमस मोर के ज़माने का है, उससे पहले का भी होगा। पॉपर कहता है कि यूटोपिया की का आप सोचे ही नहीं, क्योंकि एक इर्तकाई अमल है जिससे समाज गुजरता चला जाएगा, इसकी कोई इंतहा नहीं। तो यहाँ उसका और मार्क्स का इख्तलाफ डेफिनेटली बनता है। मार्क्स का ये कहना था कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये यूटोपिया डिफाइन करेगा। पॉपर का कहना है कि यूटोपिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात वक्त के साथ बदलती चली जाएंगी, इंसान की नफ्स भी बदलती चली जाएगी। आप बस आज को देखें और सोचें कल का, जो बना है उसके ऊपर एक मंजिल और डालें, फिर एक मंजिल और। मैंने यहाँ तक समझा है, ज़्यादा नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें भी अब एक और एग्रीमेंट, अगर आप मार्क्स में और पॉपर में एग्रीमेंट देखें, तो पॉपर ने अपने एक ख़त में लिखा कि अगर जो मार्क्सिस्ट ग्रुप है या जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो इस बात पे मेरे साथ एग्री कर जाए ना कि देखें सोशलिज्म, तो मार्क्स जो है, सॉरी पॉपर जो है वो भी सोशलिस्ट है, लेकिन पॉपर को मसला मार्क्सिज्म से ये है कि उसमें जो आज़ादी है ना सोच पे, सोच की और क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस करने की, वो जो आपने कहा लेनिन के आइडियाज़ हैं कि वो सोच पे पाबंदी है, वो पॉपर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और फिर एक और बात भी, तो पॉपर ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट का बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होना चाहिए। पॉपर तो बल्कि इस बात के हक में है कि इकोनॉमिक इंटरवेंशन होनी चाहिए, क्योंकि पॉपर कहता है अगर आप बिल्कुल ही गवर्नमेंट ख़त्म कर देंगे तो उससे भी लोगों की आज़ादी खतरे में आ जाएगी, और क्योंकि एक क्लास, वही बात कि क्लास डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। तो वहाँ तक वो मार्क्स के साथ एग्री कर रहा है। तो इसको बल्कि कहते हैं पॉपर्स पैराडॉक्स ऑफ लिबर्टी, कि बहुत ज़्यादा अगर आप आज़ादी दे दें, हाँ नहीं, इस पर दो तीन पैराडॉक्सेज हैं, टॉलरेंस का भी है, तो कि अगर आप बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दें तो उससे भी काफ़ी लोगों की आज़ादी छिन जाएगी, और बहुत ज़्यादा अगर आप बिल्कुल टोटलिटेरियन स्टेट बना दें तो उससे भी। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। तो पॉपर इज़ नॉट अ लिबर्टेरियन एंड पॉपर इज़ नॉट एन अथॉरिटेरियन, पॉपर इज़ अ सोशल डेमोक्रेट, और सोशल डेमोक्रेसी में उसका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि बुरा रूलर जो है उसको हटाना आसान होना चाहिए। मतलब पॉपर कहता है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, आप नए नए रूलर्स को लाएं, नए आइडियाज़ से एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन अवाम के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब उन्हें लग रहा है कि अब काम नहीं बन रहा या अब हमारी गलती थी, तो वो गलती को करेक्ट कर सकें। और ये वो चीज़ है जिसमें पॉपर की जो साइंस की जो फ़िलासफ़ी है और सोसाइटी की, वो एक तरफ आ जाती हैं कि यू मेक कंजेक्चर्स, ठीक है, और सोशल साइंस में कंजेक्चर आप यही होता है ना कि आपने किस तरह की गवर्नमेंट बनानी है या किस तरह की लीडरशिप आपको चाहिए, और फिर आप उसको करेक्ट करते हैं, फिर आप एक बेहतर
सोसाइटी की तरफ जाते हैं. और जिस तरह ये बच्चे ने कहा कि एक बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, तो पॉपर की जो थियोरी ऑफ नॉलेज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट सोसाइटी एज वेल. मार्क्स के जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, जो कि बैकबोन है इसकी तो थ्योरी की, उसकी उसे साइंटिफिकली कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है ये टेस्टेबल नहीं है, तो दिस इज अ मेटाफिजिकल थ्योरी. तो इसको वीकनेस हुई ना, इसको नहीं, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम एक ह्यूरिस्टिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि यार ये एक मेथड है. लेकिन पॉपर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को पसंद नहीं करेगा. उसकी वजह यह है कि पॉपर का जो नॉलेज की जो थ्योरी है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होती. जहाँ तक मेरी समझ है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कॉन्ट्रडिक्शंस की गुंजाइश है कि आप एक चीज़ को ठीक मानते हैं, उसके ऑपोजिट चीज़ को भी ठीक मानते. तो पॉपर की ना थोड़ी सी ज़्यादा बाइनरी है कि एक चीज़ को आप रिजेक्ट करेंगे क्रिटिसिज्म से, ठीक है. हमें तो कोई इसका अभी तक एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया ही नहीं. अच्छा. मतलब ये एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन जो कि चैलेंज नहीं हो सके, दिया ही नहीं है. और ये कोई साइंटिफिकली मेरे ख्याल में एक्सप्लेन हो भी नहीं सकता है. हाँ बिल्कुल. और अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली नहीं हो सकती एक्सप्लेन, उसको फिर उसको टेस्ट करने का मतलब यह है कि आप उसको फिर क्रिटिसाइज करते हैं. फिर वो मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं और कई आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है. तो लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास इसके मुकाबले की कोई चीज़ है जो इन्हीं चीज़ों को टारगेट करती है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर है या इससे ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, फिर आप उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है. और ये बात कुछ हद तक साइंस में भी, जैसे आपने कहा क्वांटम मैकेनिक्स की कई इंटरप्रटेशन हैं. अब सवाल ये है कि कौन सी इंटरप्रटेशन सेलेक्ट करें. टेस्ट आप करें तो सारी बराबर हैं, ठीक है. यानी आपके पास अगर तीन थियोरीज हैं और तीनों की थियोरीज जो है ना उनके आउटपुट सेम हैं, लेकिन वो तीनों चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेनेशंस बहुत डिफरेंट हैं, तो अब सवाल ये है कि कौन सी चूज़ करें. तो उसमें पॉपर आपको कहेगा कि जो चीज़ ज़्यादा कंसिस्टेंट है और ज़्यादा नॉलेज को एक्सप्लेन कर रही है वो बेहतर ऑप्शन है. तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा करीब से नहीं पढ़ा, मेरा तो बड़ा सतही सा मुताला है डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म का. लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है वो यही है कि इसमें ना आप वही थीसिस एंटी थीसिस और बीच में सिंथेसिस आ जाता है. पॉपर जो है वो कहता है थीसिस एंटी थीसिस में से आप एक चूज़ करते हैं, तो आप बीच का रास्ता हमेशा आपके पास नहीं होता. नहीं, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी में बर्टन रसल ने पूरा बहुत लंबा डिस्कशन किया है इसके ऊपर. वो बिल्कुल एंडलेसली मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई इसमें उससे नतीजा नहीं निकलता है. ठीक है. तो वो आप देखें अगर तो बाय द वे ये जो किताब है ना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये जब छपी थी तो बर्टन रसल का इस पर काफ़ी ग्लोइंग इसके बारे में रिव्यू था. तो अब जाहिर है बर्टन रसल की अपनी किताबें तो थोड़ी सी शायद पुरानी है, पॉपर तो बाद में आता है. तो वो भी आप देखें. ठीक है. मैं और कोई बात करनी है या अब हम सवाल जवाब पर अब सवाल जवाब पे आ जाए. ओके. मैं जो फॉल्सिफाइबल वाला आर्गूमेंट है इसको थ्योरेटिकल फिजिक्स या थ्योरेटिकल साइंसेस के हवाले से पूछना चाहूँगा. अब्दुस्सलाम का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी थ्योरीज के बारे में जब डिस्कशन वगैरह कर रहे थे तो उनके किसी कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने कहा कि आपकी थ्योरी ठीक है क्योंकि इसकी जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट मैथमेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर थ्योरेटिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फिजिक्स में हम एलिगेंसी ऑफ मैथ्स को देखते हैं कि यार ये थ्योरी मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट और एलिगेंट मैथ से ड्राइव हो रही है, मेरे पास वो हमेशा टेस्ट नहीं होते करने के लिए, जिस तरह हमारे पास जो एडवांस थ्योरीज हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में वो हमारे पास सारी टेस्ट इस वक्त की टेक्नोलॉजी के हवाले से तो कम अज़ कम टेस्टेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी एलिगेंस ऑफ मैथमेटिक्स या आर्गूमेंट को देखते हुए हम उसको सही मान रहे हैं. तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है हमें आगे लेके चलने का हमारी साइंटिफिक थ्योरी को कि हाँ वो किस कदर डेरिवेशनली एक्यूरेट है. भाई हुसन बहुत धोखा देता है. तो आप ज़रूर फिजिक्स में ऐसी थ्योरी तलाश करते हैं जो सादा हो, खूबसूरत हो, जिसमें सिमेट्री हो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो थ्योरी दुरुस्त होगी. बहुत सी मैं बना सकता हूँ ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप थ्योरी के इस्तेमाल से, जिनमें बड़ी
प्यारी सिमेट्रीज हैं, मगर और एक मिसाल उसकी सुपर सिमेट्री है। सुपर सिमेट्री जिसके ऊपर लोगों ने अपनी जिंदगियां सर्व की हैं और वो दावे से कहते थे कि ये इतनी खूबसूरत थ्योरी है, हाउ कुड इट नॉट बी यूज बाय नेचर। अब मसला ये है कि 40 साल गुजर गए, कोई सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल ही अब तक नहीं दिखाई दिया है, तो लोग अपना सर ऐसे हाय हाय कर रहे हैं कि काश के हमने कुछ और बेहतर काम किया होता, कोई कंडेंस मैटर में कुछ ये किया होता, वो किया होता, तो दैट इज नॉट अ गारंटी। एक ही चीज गारंटी दे सकती है और वो ये कि आपकी फिजिक्स लॉजिकली कंसिस्टेंट हो, जो पिछला नॉलेज है उसके साथ मुताबिकत रखती हो, और नई पेशेंट गोई की उसमें नई पेशेंट की गोई की उसमें सलाहियत हो, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े जब साबित होते हैं तब पता चलता है कि उसमें कितनी सदाकत है। ऑफ कोर्स इनिशियल डेवलपमेंट्स जैसा कि गेज थ्योरी है, गेज थ्योरी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, उसमें ये जो खूबसूरती की बात थी, हुसन की बात थी, उसने बड़ा रोल प्ले किया। और अब भी जाहिर है कि कोई एक, एक, एक बदनुमा बदशक्ल थ्योरी हो तो लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन फिजिक्स में इट इज़ एक्चुअली योर मेजरमेंट विच विल टेल यू वेदर इट्स ट्रू और नॉट। सर मेरा सवाल आपसे है कि मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, और पहले आपको बताया, पहले आपसे इधर डिस्कशन भी की है कि मैं बिहाड़ी से आया हूँ, और शायद कि ये जो बात चल रही है इसके मुताबिक मेरा सवाल नहीं है और ना ही इस मौजू के मुताबिक सवाल है, लेकिन वो सवाल मैं करना चाहता हूँ कि हमारे माहौल में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जो निज़ाम चल रहा है, ये मजहबी जुनूनियत, मजहबियत और ये इंतहा पसंदीयत कैसे ख़त्म होगी, इसका क्या तदारुक होगा, और कह लें कि बींग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी और सो कॉल्ड नेशन, हम इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं कि ये मजहबियत जुनूनियत ख़त्म हो और इसका इख्तिताम हो। और मैं आपके तवज से जितने भी ये लोग बैठे हैं इनकी तरफ सवालिया निगाह करके ये सवाल पूछता हूँ और बात करता हूँ। भाई ये तो वाकई मौजू से हट के है जी। वारिस साहब, आप अगर इसका जवाब देना चाहें। मैं इसके जवाब में कहूँगा कि आप पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट नहीं करें। यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में, जहाँ पे जो दुनिया के साइंटिफिकली मोस्ट एडवांस्ड कंट्री है, उससे ज़्यादा एडवांस कोई कंट्री नहीं साइंटिफिकली, उसमें 45-46% लोग जो हैं, अभी ये रिसेंट सर्वे है, वो एवोल्यूशन में यकीन नहीं रखते हैं, वो क्रिएशन में यकीन रखते हैं। और उन्होंने पूरा एक म्यूज़ियम बहुत बड़ा बनाया, कई लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर्स के उसमें खर्च करके उसमें एडम एंड ईव को बनाया है और सब किया, वो विज़िट करने जाते हैं। और वहाँ जो कॉमन मैन है उसमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो एवोल्यूशन के बारे में बड़े स्केप्टिकल हैं, और इसी तरीके से बहुत सी थ्योरीज हैं साइंटिफिक जिसका वो मजाक उड़ाते हैं। तो पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है ऐसा जिसमें ऐसा हो रहा है, बहुत से मुल्कों में हो रहा है, ख़ास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि आप इसको भी कंसिडर करें। आप सिर्फ पाकिस्तान को ना देखें, इसको एक बड़े तनाजुर में देखें और मुकाबला करें आज का ज़माना और 200 साल पहले का ज़माना। कौन सा ज़माना ज़्यादा खुला है, किस में ज़्यादा बर्दाश्त है, कहाँ, क्या उस ज़माने में ज़्यादा जमहूरियत थी कि आज के ज़माने में? मेरे ख़्याल में आज का ज़माना पिछले सालों से, पिछले दहाइयों से, पिछले सदियों से बहुत बहुत बेहतर है। हाँ, पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे गया है, मैं मानता हूँ गया है, निकल आएगा इसमें से, क्योंकि जो दुनिया की समत है ना, वो इन जंजीरों को तोड़ने की तरफ है। आप देख लीजिए कि अगर आप मुग़ल के ज़माने में होते यहाँ पर या उससे पहले होते, तो जितना आपने कहा है तो आप सूली पे आप चढ़ जाते तो ये बहुत बेहतर ज़माना है। तो आप हौसला कीजिए, कुछ वक्त के बाद हम एक बेहतर दौर में दाखिल हों। मेरा क्वेश्चन पहले लास्ट
लास्ट कमेंट से रिलेटेड है. पॉपर क्या कहता है, क्या एक रिलीजियस सोसाइटी ओपन सोसाइटी हो सकती है, उसका क्या व्यू है सवाल है? पॉपर के मुताबिक कोई भी सोसाइटी जिसमें किसी भी किस्म की अथॉरिटी है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करती, वो ओपन सोसाइटी नहीं है. सो दिस मींस दैट रिलीजियस सोसाइटी कैन नॉट बी एन ओपन सोसाइटी. रिलीजियस सोसाइटी से अगर आपकी मुराद ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा या दबाया जा रहा है, वो फिर ओपन सोसाइटी नहीं है. ओके, सो और इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है. बहुत से ममालिक हैं जो अथॉरिटेरियन है, रिलीजियस नहीं है. डॉगमेटिक. तो ओके, आई थिंक फिलॉसफी ऑफ साइंस में कुछ चीज़ें शायद डिस्कशन में हम करीब पहुँचे. रिडक्शनिज्म और इमर्जेंस है जी. और इसी तरह डिटर्मिनिज्म है और फ्री विल है. इस पर कार्ल पॉपर के क्या व्यूज हैं? कार्ल पॉपर रिडक्शनिस्ट नहीं है. तो कार्ल पॉपर, अगर आप इस तरह की बात करें कि सारी थियरीज जो हैं वो टूट के फिजिक्स बन जाएगी और छोटे लेवल पे सिर्फ फिजिक्स ही है, तो कार्ल पॉपर इसको पसंद नहीं करता. क्योंकि ये बात फिर, यानी अगर आप हर चीज़ को रिड्यूस कर दें तो फिर वो जो पॉपर की बात है कि आप साइंस आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी, वो उसके साथ बैठती नहीं है. ठीक. तो पॉपर इज़ नॉट अ रिडक्शनिस्ट. और इमर्जेंस पे पॉपर के थोड़े से कन्फ्यूज हैं व्यूज़. पॉपर ने एक किताब लिखी माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे, वो आप देख सकते हैं. तो उसने कोई क्लियर कट, उसके पास कोई जवाब नहीं है इसका. वो अपनी ज़िंदगी के आखिर में कुछ काम कर रहा था इस पर. लेकिन पॉपर के मुताबिक देखें, डिफरेंट नॉलेज जो है ना वो डिफरेंट स्केल्स पे हैं. तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इमर्जेंस जो है वो टॉप डाउन है या बॉटम अप है. ठीक है, तो वो हो सकती है. लेकिन पॉपर इज़ नॉट अ रिडक्शनिस्ट. दूसरी बात आपने की डिटर्मिनिज्म की और फ्री विल की, तो पॉपर जो है वो इनडिटर्मिनिस्ट है, साइंस में भी और सोसाइटी में भी. सोसाइटी में इनडिटर्मिनिज्म साबित हो गया मार्क्सिज्म के फेलियर से. ठीक है, तो पॉपर कह रहा है कि आप कभी भी सोसाइटी को प्लान नहीं कर सकते या थियरी या मैप नहीं बना सकते कि अगले 20 साल में क्या होगा. ठीक है, और इसका ताल्लुक वो जोड़ता है अपनी थियरी ऑफ नॉलेज से कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्रिएटिव हैं. ठीक है, और वो अपनी सोसाइटी को चेंज करते हैं नॉलेज क्रिएट करके, और उनके पास फ्री विल भी है. फ्री विल है तो ये कर रहे हैं. तो पॉपर जहाँ तक मुझे समझ आई है वो फ्री विल को इम्पॉर्टेंट समझता है, और उसके लिए आर्टिस्ट और साइंटिस्ट एक इस पर. बल्कि आजकल वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं सईद अजमल, उनकी एक वीडियो चल रही है कि साइंस इज़ द मैन. तो वो पॉपर जो है वो एग्री करेंगे उनके साथ. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कार्ल पॉपर के तनाजुर में भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं मेरे जी जी, कि जिस तरह आपने कई दफ़ा ये कहा कि कार्ल पॉपर की ये सारी बातें नेचुरल साइंसेस के बारे में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सोशल साइंसेस और पॉलिटिकल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस में फ़र्क है, ठीक है, लेकिन उनको फिर साइंसेस क्यों माना जाता है नंबर वन, और उसमें फिर क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? देखिए, सोशल साइंसेस को साइंसेस इसलिए, मुझे तो एक सोशोलॉजिकल एक इसकी वजह है कि, और कुछ हद तक मार्क्सिज्म में भी वो नज़र आती है कि साइंसेस जो हैं वो सोशल साइंसेस वालों को नज़र आता है कि साइंसेस बड़ी कामयाब हैं और प्रेडिक्शन हो रही है, और वो नज़र आती है ना उसकी आउटकम्स क्लियरली जो है ज़ाहरी आंख से. तो सोशल साइंसेस को सोशल साइंस कहने का मकसद बेसिकली ये था कि यार साइंस वाले बड़े कामयाब हैं तो हम ना उनसे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ले लें. और कुछ लोगों ने तो इसकी बहुत ही बुरी मिमिक्री करने की कोशिश किया कि साइंटिफिक टर्म्स जो हैं उनको भी सोशल साइंस में इस्तेमाल करने लग गए बहुत बुरे तरीके से, ख़ासतौर पर पोस्ट मॉडर्निज्म में और इस तरह की चीज़ों में. तो ये वजह है. तो इसकी कोई बुनियादी कोई फिलोसॉफिकल वजह नहीं है कि सोशल साइंस कहते हैं. दूसरी बात आपने कि मेथड क्या है, मेथड वही है जो कि यहाँ पे है. यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पे हम क्रिटिसाइज करते हैं. सोशल साइंसेस में कोई भी थियोरी है, आपके पास अगर कोई थियोरी है, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसका क्रिटिसिज्म लें और फिर उसकी बेसिस पे बेहतर थियोरी बनाएं. किसी थियोरी को आप अगर उसको डिफेंड करें इस मकसद से कि यार ये तो मेरी थियोरी है या मेरी पसंद की थियोरी है, इसको मैंने गलत साबित होने नहीं देना, फिर वो डॉगमा है, फिर वो क्लोज सोसाइटी की. फिर दोबारा कंफ्यूज हो गया हूँ कि आपने कहा कि कार्ल पॉपर की ये नेचुरल साइंसेस के बारे में, उसके अलावा नहीं. सॉरी, दो चीज़ें हैं. देखें, हमने ना अभी कई चीज़ों की बात की है. एक तो थी डीमार्केशन प्रॉब्लम कि साइंस और नॉन साइंस में फ़र्क क्या है. वो फ़र्क पता लग गया कि एक्सपेरिमेंट से हम साइंस को गलत साबित कर सकते हैं, सोशल साइंस में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पर मैं जी, मेरा भी तलाब है. सोशल साइंसेस में यू कैन मेजर,
देखें, आपने नेचुरल साइंसेस को सब इकट्ठे किया है, विच इज नॉट फेयर. एक तरफ फिजिक्स है तो दूसरी तरफ बायोलॉजी है. बायोलॉजी में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हैज नो प्रिडिक्शन टू मेक. इस पे मेरा कमेंट. और इसलिए पॉपर ने ये कहा कि एवोल्यूशनरी थ्योरी, डार्विनियन एवोल्यूशन इज नॉट ए साइंटिफिक थ्योरी. कुछ 3-4 साल के बाद उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया और कहा कि यस इट इज टेस्टेबल, कि एक कि ये मुमकिन है कि आप इसको फॉल्सिफाई कर सकें. लेकिन ये देखें कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आप वो चीज़ लागू नहीं कर सकते जो आप एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं या जो फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में आप करते हैं. डज नॉट हैव दैट प्रिडिक्टेबिलिटी. लेकिन दूसरी तरफ आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बगैर तो गुजारा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूरी बुनियाद बनती है बायोलॉजी की. उसके बगैर तो आप जान ही नहीं सकते कि ये फॉसिल्स क्या हैं, कि ये जो जानदार हैं उनका इर्तका कैसे हुआ, कि इसमें और इसमें मुमासलत क्यों है. तो ये बहुत जामे चीज़ है. और इसीलिए पॉपर का स्टूडेंट था लैकाटॉस के नाम से. लैकाटॉस ने कहा कि ये पॉपर ने जो बात की ये काफ़ी नहीं है. असल में देर हैज़ टू बी अ रिसर्च प्रोग्राम, देर हैज़ टू बी, यू हैव टू सी हाउ मच डेटा इज कंसिस्टेंट. तो ये अपना इस चीज़ में ना पड़े कि कोई एक इसमें से कीड़ा निकालना है, कोई मेख निकालनी है, और बस उसके बाद ये इस थियोरी को उठाकर कूड़े में डालना. देखो कि इससे कितना कुछ समझ में आ सकता बायोलॉजी के हवाले से. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड 5 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज बिल्ट ऑन दिस सेंट्रल असम्पशन के हम एक ही जड़ से शुरू हुए, एक ही तना था, उस तने की शाखें थी, शाख दर शाख दर शाख, तो फिर आपने बहुत कुछ समझा है, गो के आपने पेशन गोई की सलाहियत दी. अच्छा, अब मेरा ख्याल इसको मौका दिया जाए. नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे. आई पर्सनली अग्री एंड डिसएग्री विद द पॉपर ऑन द पैराडाइज थिंग. मैं अग्री करता हूँ कि इट कैन हेवन कैन नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट मेक हेवन, बट फॉर डिफरेंट रीजन. मेरा रीज़न ये है कि ह्यूमन की जो वो पैराडाइज ही है, इट डिफाइंड एवरी पर्सन इज हैप्पी, नो सैडनेस विद इन देम, दे फील दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट. मगर ह्यूमंस ना जनरली उनके इंटरेस्ट क्लैश विद वन अनदर. वन पर्सन मे विश टू रूल एवरीवन, वन वन पर्सन मे विश टू बी फ्री. सो इस वजह से यू कैन नॉट मेक पैराडाइज फॉर एवरीवन. ठीक है, और आपने जो ये जो प्रॉब्लम बताया है, यही तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि इतना बड़ा हजूम है लोगों का, तो किस तरह से उन्हें रखा जाए कि वो अब उनकी आज़ादी भी कायम रहे और किसी का हक भी ना मारा जाए, तो यही तो प्रॉब्लम है सारा. और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम जब कर रहे हैं ना फॉल्सिफाई, तो फिलॉसफी कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड बिकॉज द आइडियाज आर सो ब्रॉड. बिल्कुल. सो इज फिलॉसफी नॉट कॉल्ड अ साइंस? फिलॉसफी इज नॉट साइंस, ये फर्क है. एक फिलॉसफी जब कि देखें, अगर आप 2000 साल पीछे चले जाएँ तो साइंस का तो लफ्ज़ भी नहीं था, तो तब तो सब फिलॉसफी थी. जब फिलॉसफी की कोई शाख इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए और उसमें नॉलेज का काफ़ी उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए और उसको हम टेस्ट करने के काबिल हो जाएं, फिर वो साइंस बन जाती है. ठीक है, तो अभी भी जिन जिन टॉपिक्स को अभी भी हम समझते हैं कि वो साइंस नहीं है, मिसाल के तौर पे साइकोनालिसिस. ठीक है, साइकोनालिसिस को अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो उसको साइंस नहीं मानता. ठीक है, ठीक है, वो इट कैन बी लिटरेचर और इट कैन बी फिलॉसफी, इट कैन बी सोशोलॉजी, लेकिन उसको मैं साइंस नहीं मानता. लेकिन अगर वो इतनी मेच्योर हो जाए और उसमें वो प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए और टेस्ट करने के काबिल हो जाए, फिर वो साइंस बन जाएगी. ठीक है, तो हाँ, फिर अगर आपका नॉलेज एक जगह पे रुक जाए, जैसे फिजिक्स में कभी कभी हमें लगता है हाई एनर्जी फिजिक्स में कि हम फंस गए हैं, फिर आपको शायद थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ रजू करने की ज़रूरत है कि फिलॉसफी में से कुछ ऐसे अजम्पशंस को हम देखें जो हमें रोक रही, आगे नहीं जाने दे रही, और फिर हो सकता है उसकी वजह से हमारी साइंस और एक्सपेंड करे.
तो फिलॉसफी और साइंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी साइंस करनी है तो फिलॉसफी पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, जो चीज़ साइंस नहीं है वो बुरी चीज़ नहीं है, उसकी अपनी ही वैल्यू है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि साइंटिस्ट जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो बाकी लोग हैं वो बेकार हैं, हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे, उनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन साइंस का एक मेथड है और वो साइंस में वो इस्तेमाल होता है। ठीक, पोइट्री इज नॉट साइंस बट इट्स अ वेरी प्रिटी थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, पॉपर जो है उसको म्यूज़िक का भी शौक था, और म्यूज़िक भी साइंस नहीं है। मैं ये इस थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपसे चाहता था कि जो आपने कहा कि रिडक्शनिज्म में वो बिलीव नहीं करता पॉपर, तो दैट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ इज समथिंग नॉट रिड्यूसेबल टू फर्दर आर्ग्यूमेंट टू मोर फंडामेंटल लॉज लाइक ऑल द वे डाउन टू द मोस्ट बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। देखिए, अभी तो हमें थोड़ा सा ये नज़र भी आता है, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टिविटी जब हम फिज़िक्स में उसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो हम उसमें स्टैंडर्ड मॉडल को इस्तेमाल नहीं करते। कंडेंस मैटर में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि जो है स्टैंडर्ड मॉडल हमें क्या कह रहा है। मेरी जो PhD का टॉपिक है वो कंडेंस मैटर फिजिक्स में है, मैंने अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल जो है ना वो प्रॉपरली नहीं पढ़ा। वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज सर हो सकती हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, बट दैट डजंट मीन दे आर नॉट रिड्यूसेबल टू फंडामेंटल लॉज। देखें, आप फंडामेंटल कह रहे हैं उसको जो कि हम चीज को तोड़ते चले जाएं और एंड पे आपको मिले। Exactly. अगर आप मुझसे पूछें तो फंडामेंटल की ये डेफिनेशन थोड़ी सी पुरानी है। एक मैं मिसाल और दे दूं आपको। देखें, आज तो हम मानते हैं कि क्वार्क्स हैं, एंटी क्वार्क्स हैं, ठीक है, तो आज आप कहेंगे क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स फंडामेंटल हैं, ठीक है। 100 साल पहले हम कह रहे थे एटम्स हैं, अब आजकल दे गॉट फर्दर रिड्यूस्ड। हाँ, लेकिन दैट वी वेंट फर्दर डाउन टुवर्ड्स रिडक्शनिज्म, ठीक है, मतलब हम ऊपर की तरफ नहीं आए। देखें, उसमें इन प्रिंसिपल तो ये कर सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस, इन प्रिंसिपल की बात है, ओके, सो इन प्रिंसिपल यू वुड एग्री? नहीं, वहाँ पे भी नहीं। अब आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके मुताबिक एक सुपर कंडक्टिंग सिस्टम जो है मेरे पास, आई शुड बी एबल टू राइट इट्स लग्रांजियन हाई एनर्जी फिजिक्स के टर्म्स में, जिसमें सारे क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स होंगे। आई कांट डू दैट, इट्स जस्ट कॉम्पिटिशनल हर्डल, राइट? नहीं, एनालिटिकली भी आई कांट डू दैट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम टोटली विद यू ऑन दिस। देखें, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वार्क्स एंड ग्लुओंस, फिर आप रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप यूज करें। तो रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप में यह है कि आप स्केल बढ़ाते चले जाते हैं, छोटे स्केल से शुरू किया, बढ़ाते गए। We have to, as physicists, believe in reductionism. अगर नहीं तो क्या कोई जिन भूत है जो सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूडिटी का सबब है? No, we believe in quarks and gluons. We believe in the Lagrangian. I will bet my life on it. नहीं सर, इस पे मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगा। जिस सेंस में आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं, इट मेक सेंस, ठीक है, लेकिन फिर आप रिडक्शन का कोई, देखिए, आप जो मुझे बता रहे हैं रिडक्शन इस तरह से हो रही है, वो तो एक मैथमेटिकली, आप उसके बीच में कुछ और स्केल्स भी हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको दो स्केल्स के बारे में पता है और आप जंप करके, और बीच में आप कुछ अप्रोक्सीमेशन भी कर रहे हैं, मतलब बात करेंगे जी। मैंने अपनी बात, ठीक, इसी तरह आपने कहा कि इट इज डिटर्मिनिज्म में बिलीव नहीं करता पॉपर जी, तो आई हाउ इज दैट एज वेल? क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिस्टिक जो चीजें हैं वो तो समझ आती हैं, बट इवन दैट वेव फंक्शन इज डिटर्मिनिस्टिक, तो ऑल द एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड फिर उसको रिडक्शन के साथ मिलाएं तो फिर सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। आप मुझे बताएंगे आप डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद ले रहे हैं? कि इफ कि उसका ओवर टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम यू कैन डिफाइन और यू कैन राइट डाउन इन प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स, ओके, ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इवन इन प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा आपके साथ। देखें, ये बात आप जो कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, इस पर कई इंटरप्रिटेशन हैं, ठीक है। अब
आप जो आपकी इंटरप्रिटेशन मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है वो थोड़ी सी मैनी वर्ल्ड्स की तरफ जा रही है कि यूनिटरी एवोल्यूशन है, ठीक है, और वो पूरे यूनिवर्स पे, यानी पूरे यूनिवर्स का भी वेव फंक्शन है आपके मुताबिक। आप इस बात को मतलब मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स का वेव फंक्शन है? ये मुझे इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बट वाई नॉट इन प्रिंसिपल, ऑफकोर्स दिस कैन बी ट्रू, you know more about this than me, but main wo samajhna chahunga ki aisa kyun nahi ho sakta. Dekhiye, because of chaos actually some equations, differential equations cannot be solved for an indefinite period because a small change in initial conditions will lead to huge changes in final. So ye chaos theory se mutalliq hai and isme aapko quantum mechanics lane ki bhi zarurat nahi hai, classical mechanics mein bhi chaotic systems hain. लेकिन सर मौसम है, अच्छा आप वो कैलकुलेशनल हर्डल ही नहीं है वो केओस भी, इट इज अ इन प्रिंसिपल हर्डल, इन प्रिंसिपल मैथमेटिकल हर्डल। लेकिन अगर आप फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट चाहते हैं तो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पॉपर का वही क्रिएटिविटी की तरफ से आता है कि अगर हर चीज डिटर्मिनिस्टिक है, यू नो, देन देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिविटी। और फिर आप कुछ हद तक उसमें एवोल्यूशन की बात भी कर सकते हैं कि जो म्यूटेशंस होती हैं दे आर रैंडम म्यूटेशंस, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व किए हैं तो वो रैंडम म्यूटेशंस हैं, वो दे आर नॉट, अब हो सकता है कि हमें कोई थ्योरी मिल जाए, लेकिन अभी जो हमारा नॉलेज है म्यूटेशंस आर स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, ठीक है, और वो रैंडम है, उसका कोई पैटर्न नहीं है उस तरह से। सर आपने जो केओस की बात की ना उसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीट कंप्यूटेशनल पावर। केओस थ्योरी कहती है कि अगर हमारे पास एरर ज़ीरो हो जाए और हमारे पास एब्सोल्यूट कंप्यूटेशनल पावर हो तो फिर केओस थ्योरी कहती है नहीं फिर एवरीथिंग विल बी डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी जिसकी इंटरप्रिटेशन है वो कहती है नहीं, जिस तरह आपने अभी बात की, जो मेरे ख्याल से ये कहते हैं कि जो क्लासिकल फिजिसिस्ट है वो जब क्वांटम डोमेन में आता है तो ही हैज़ टू बिलीव इन थ्री थिंग्स, जो कि वो क्लासिकल फिजिक्स में बिलीव रखता है लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा, जिसमें से एक है नो कंस्पिरेसी। नो कंस्पिरेसी से मुराद ये है कि मैं जब भी मेजरमेंट लूँगा तो वही आएगी, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा वो कहते हैं नहीं, कंस्पिरेसी हो सकती, मतलब दीज आर द थिंग्स। तो वो कहते हैं कि जो क्वांटम लेवल है उसके अंदर रैंडमनेस मौजूद है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशन एरर एंड नॉट बिकॉज ऑफ कि आपके पास कंप्यूटेशनल पावर लिमिटेड है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें एब्सोल्यूट हों तब भी रैंडमनेस उस वेव फंक्शन के अंदर से जनरेट हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स तो इस नुक्ते से शुरू होती है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इन्फिनिट कैलकुलेशनल पावर की ज़रूरत है, उस इन्फिनिट कैलकुलेशनल पावर के लिए आपको बिट्स चाहिए होंगे, तो इतने टेरा पता नहीं 10^100 बिट्स चाहिए होंगे। इतने एटम्स नहीं है यूनिवर्स में कि वो होल्ड कर सके, you don't, the universe is not big enough for a perfect computer. उसमें सर एक एडिशन मैं कर दूँ, उसमें ऑक्सफर्ड में एक फिजिसिस्ट हैं डेविड डॉइच, वो ये कहते हैं कि इतने बिट्स एक यूनिवर्स में नहीं है तो वो फिर मैनी वर्ल्ड्स की बात करते हैं कि इन्फिनेटली मैनी यूनिवर्सेज हैं और कैलकुलेशंस वहाँ पे हो रही हैं। आई थिंक ये सब कुछ है तो डिटर्मिनिस्टिक ही है ना, मैथमेटिकली भी है। अगर इवन केओस की भी आप बात करते हैं तो वो है तो मैथमेटिकली, भले हमारे पास अभी अच्छी इक्वेशंस नहीं हैं या उनके सॉल्यूशंस नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी नॉलेज अभी तक हमारे पास आया है वो मैथमेटिकली है और मैथमेटिक्स से ही हमने ड्राइव किया है, तो इस लिहाज से तो हमारा नॉलेज डिटर्मिनिस्टिक ही है। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँगा, आप ये कह रहे हैं कि रैंडमनेस और क्रिएटिविटी आपस में लिंक नहीं है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आई मीन सो रैंडमनेस और क्रिएटिविटी भी लिंक हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात, मैं डिटर्मिनिज्म की बात करना चाह रहा था। हाँ डिटर्मिनिज्म, सॉरी आप सवाल कर रहे। अच्छा डिटर्मिनिज्म, देखिए जो वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं कि वेव फंक्शन की एवोल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन से हो रही है, ठीक है, मान लिया डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन जब आप मेजर करते हैं ना तो आउटकम की पॉसिबिलिटीज हैं, आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं, लेकिन आउटकम जो है ना वो रैंडम होगा। आप ये नहीं बता सकते कि ये आउटकम ही आएगा। So how it says that it is not deterministic? Outcome से हम कैसे deduce कर सकते हैं कि ये deterministic? देखें
डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि जो आपके पास वेव फंक्शन है ना, एग्जैक्टली आप बताएं कि सिंगल आउटकम है, वो सिंगल आउटकम है ही नहीं, तीन आउटकम्स हैं, ये चार हैं, और वो चार में से एक आएगा लेकिन आपको पता नहीं कौन सा आएगा। सो आइंस्टाइन जो कि डिटरमिनिस्ट था, वो फिर इसको कहता है कि हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, हिडन वेरिएबल्स हैं। सॉरी, इसमें दो चीज़ें हैं। आइंस्टाइन वाज नॉट हैप्पी विद दिस पहले, बाद में ही वाज ओके। जो हिडन वेरिएबल वाली बात है, दैट इज ईपीआर पैराडॉक्स, उस पर हम पहले उनसे सवाल ले लें, फिर बात करते हैं। ईपीआर पैराडॉक्स इज अ डिफरेंट थिंग। सर, मेरा क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। हमारा क्वेश्चन जो है वो रिकग्निशन इन साइंस से मुतालिक है। सो फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में डायलॉग हो रहा था बिटवीन टू इंजीनियर्स, और वो काफ़ी सालों से एक काम कर रहे थे, एक सिंथेटिक प्रोसेस के जरिए एक मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक न्यू प्रोसेस डिस्कवर करना चाह रहे थे, इन्वेंट करना चाह रहे थे, और वो उनसे नहीं हो सका। तो एक ने कहा कि जी हम फेल हो गए, दूसरे ने कहा जी हम फेल नहीं हुए, हमने दुनिया को प्रूव कर दिया है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ठीक है, सो जो बात भी हुई थी वो फॉल्सिफाइबिलिटी के लिहाज से, तो साइंस क्यों नहीं सेलिब्रेट करती उन साइंटिस्ट को जिन्होंने गलत थ्योरीज दी, गलत थ्योरीज पे काम किया और वो फॉल्सिफाइड हो गई, प्रूव हो गई हैं? बिकॉज जिस तरह हीरो वर्शिप पॉलिटिकल साइंस में है, इसी तरह यहाँ भी है। सो यहाँ भी हम सेलिब्रेट करते हैं आइंस्टाइन को, अब्दुल सलाम को, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वो काउंटलेस लोग जिन्होंने उन फॉल्स थ्योरीज पर काम किया और प्रूव कर दिया उन्होंने या उनके स्टूडेंट्स ने कि ये सही नहीं है, दे हैव मैसिव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन साइंस, इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका ताल्लुक वही एक साइंस का जो, अब मैं साइंस से मुराद है पूरा साइंस का इदारा या कम्युनिटी, तो वो उनमें भी वही टेंडेंसीज हैं जो कि इंसानों में होती हैं, कि हम जब रिसर्च पेपर भी लिखते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रेजेंट करें कि यार हमें पहले से पता था ये होना है, ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया और ठीक है। वो रिसर्च खासतौर पर एक्सपेरिमेंटल साइंसेज में, रिसर्च पेपर के पीछे बहुत सारे वो फॉल्स स्टार्ट्स होते हैं, इधर आप फंसते हैं, उधर फंसते हैं, लेकिन जब आप पेपर लिखते हैं वो बड़ा सैनिटाइज वर्जन होता है। तो ये मसला जो है, ये हिस्ट्री ऑफ साइंस का है, कि हिस्टोरियन ऑफ साइंस को चाहिए कि जो फॉल्स स्टार्ट्स हैं और जो उस वक्त की जो बहस हो रही थी उसको बेहतर डॉक्यूमेंट करें। मगर एक काउंटर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक ज़माने में ये सोचा जाता था कि ज़मीन की इर्द गिर्द पूरी कायनात में एक फ्लूइड है जिसे ईथर कहते हैं, और ये और ज़मीन इस ईथर में से गुजरती है, दूसरे सैारे भी गुजरते हैं। इस ईथर हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना माइकलसन और मॉडली का काम था, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर डिसप्रूविंग बस। तो समटाइम्स डिसप्रूविंग इज इम्पॉर्टेंट। जी सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये ओपन सोसाइटी के हवाले से, जब हम सोसाइटी कहते हैं तो सोशल इंटरेक्शंस, सोशल नेटवर्क्स, सोशल बाइंडिंग्स, बाइंडिंग बजाते खुद ओपन के बिल्कुल ऑपोजिट है ना। ये जो बच्चा बात कर रहा था ना, इस पर मुझे वो सार्तर का मकूला याद आ गया कि हेल इज़ अदर्स। तो जब दूसरे लोग हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उनके अपने प्रायोरिटीज़ हैं, वो जब कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं तो दैट मेक्स इट हेल। सोसाइटी इट्सेल्फ ये क्या ओपन हो भी सकती है, या ये भी एक यूटोपिया ही है? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि साइंस के लिए फालसिफाइबिलिटी जो है, ये उसने कहा कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है, क्या ये सफिशिएंट कंडीशन भी है, या इसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग भी ज़रूरी है कुछ जगहों पर? जी, बहुत अच्छे सवाल है। जो पहला सवाल है वो ये है कि ओपन सोसाइटी जो है उसमें क्या वो यूटोपिया है, क्या वो एग्जिस्ट कर सकती है? तो इसमें वही बात है कि अगर हम इसको भी पॉपर की नज़र से देखें तो ये भी एक इट्स एन आइडियल, इट विल प्रोबेबली नेवर बी अचीव्ड, क्योंकि हम बंदूक लेके हर किसी को ये नहीं कह सकते कि तुमने अब ये ओपन सोसाइटी जो है वो बनानी है। तो इट्स अ ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें भी वही बात, वो पैराडॉक्स वाली, कि जहाँ तक आप टॉलरेट कर सकते हैं करें, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को, जहाँ तक आप फ्रीडम दे सकते हैं दें, लेकिन अगर इतनी फ्रीडम दे दिया या इतना ज़्यादा आप टॉलरेट करने लग गए हैं कि ओपन सोसाइटी का जो प्रोसेस है वो ख़तरे में आ जाए, फिर आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर किसी ऐसे बंदे को इलेक्ट करें जो कहेगा कि मैंने मार्शल लॉ लेके आना है,
तो फिर उस सोसाइटी पे पॉपर के नज़दीक जो है ना, अगर वो सोसाइटी वाकई ओपन है फिर वो उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी, और अगर वहाँ से वायलेंस होगी तो पॉपर वहाँ पे इजाज़त देगा कि अब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सिस्टम को आपने डिफेंड करना है, किसी बंदे को डिफाइन नहीं करना। तो इस सेंस में आई थिंक इट्स अ गुड आइडियल। ओपन सोसाइटी हैज़ टू बी डिफाइंड मोर क्लियरली। आप ये देखें कि आप हर एक को इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई चाहे तो लेफ्ट साइड पे चले, कोई चाहे तो राइट साइड पे चले, तो इतनी टकरें लगेंगी। बिल्कुल, उसमें रूल्स ट्रैफिक का चलना ही नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा बिल्कुल ओपन को डिफाइन करना बिल्कुल खुद एक बड़ा काम। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग डेफिनेशन पसंद नहीं करता ना कार्ल पॉपर, मसला ये सोशल साइंसेस में तो इट ऑल बिगिंस विद दैट। लेकिन लोग, वो लोग आपस में मिलके क्रिटिसाइज करके एक दूसरे की थियोरीज को वो लोग डिफाइन करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस, मतलब पॉपर ये नहीं कह रहा कि आप सारी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जला दें और फिर से शुरू करें, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा कि अभी जो है ना सिस्टम उस पर आहिस्ता आहिस्ता पीस मील। तो पॉपर के रेवोल्यूशन के खिलाफ था, वो कहता है आप रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं ना फिर आप पहले यूटोपिया दिखाते हैं, फिर आप काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होती है। तो वो कहता है रेवोल्यूशन की बजाय आहिस्ता आहिस्ता अपना पॉलिसी में चेंजेस लेके आएँ। तो एक ओपन सोसाइटी वो है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है पीस मील। वो तो बल्कि इसके लिए एक टर्म यूज़ करता था, पीस मील सोशल इंजीनियरिंग, जो यहाँ पर थोड़ी सी अजीब लगेगी, सोशल इंजीनियरिंग। तो वो इस तरह की बात है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव किया जा रहा। तो इस सेंस में पॉपर जो है वो सोशल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। दोनों इस्तेमाल किए ना, यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग उसके मुकाबले में उसने कहा पीसमील रिफॉर्म, वो पीसमील रिफॉर्म को जी। आप दूसरा सवाल याद करिएगा। मैंने यूटोपिया का लफ्ज इस्तेमाल ही इसीलिए किया। जी जी, दूसरा सवाल जी, यूटोपिया का लफ्ज मैंने इस्तेमाल ही इसीलिए किया था क्योंकि वो यूटोपियन रिफॉर्म की बात करता है और उसको पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में रिजेक्ट करता है। जी जी, जिसको प्लेटो मार्क्स को बेसिकली रिजेक्ट करने का उसका जो जिस बुनियाद पे कर रहा है वो हिस्टोरिसिज्म कहता है कि ये चूंकि फालसिफाइबल नहीं है और भी चीज़ों की बुनियाद पे उसको रिफ्यूट कर रहा है, ठीक है। अब जो आपने बात की थी उसकी प्लेटो की द रिपब्लिक की, द रिपब्लिक पहला यूटोपिया था सर, उस थॉमस मूर का तो बहुत बात का था, द रिपब्लिक इटसेल्फ इज़ ए यूटोपिया जिसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम वो बनाया जा रहा है। अब खुद ये लफ्ज़ जब इस्तेमाल करता ओपन सोसाइटी इजंट इट अ यूटोपिया इटसेल्फ, मैं मेरा सवाल असल में ये था, जिसको वो खुद रिजेक्ट कर रहा है उसके मुकाबले में कह रहा है पीस मील रिफॉर्म या पीस मील सोशल इंजीनियरिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल जी। दूसरा देखें, पहली बात यह है वो यूटोपिया रिजेक्ट कर रहा है सिर्फ इस बेसिस में नहीं कि पहले जिन लोगों ने यूटोपिया प्रॉमिस किया तो बहुत फसाद हुआ, वो इन प्रिंसिपल कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज ये बता रही है कि देर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी आप एक बेहतर गवर्नमेंट बना दें, सारी प्रॉब्लम्स आज की सॉल्व कर दें, फिर भी कुछ नई प्रॉब्लम्स होंगी जिनका आज हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 100 साल बाद की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें नहीं पता। तो पॉपर ये कह रहा है देर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स, सो देर विल नेवर बी अ यूटोपिया, लेकिन हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो प्रोग्रेस को सपोर्ट करे। सो देर विल नेवर बी एन ओपन सोसाइटी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, इफ दिस हेल्प्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो फाल्सिफिकेशन है, ये फाल्सिफाइबिलिटी है, जी, क्या ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है साइंस के लिए या सफिशिएंट भी है? ये नेसेसरी है, सफिशिएंट। देखिए, मैं ये टर्म्स नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, मैं बस इतना कहूंगा कि आप फॉल्सिफाइबिलिटी तो होनी चाहिए लेकिन उसके अलावा और वजूहात की बेसिस पे भी थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मसलन इंडक्टिव रीजनिंग, क्या आप साइंस में ख़त्म हो गई है? इंडक्टिव रीजनिंग एक अगर साइंटिस्ट पर्सनल लेवल पे कर रहा है, उसे लगता है वो कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है। अभी भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जो पॉपर को इसी बात पर रिजेक्ट कर देते हैं, वो इससे आगे पॉपर को पढ़ते ही नहीं है, वो कहते हैं कि पॉपर इज़ एन एंटी रियलिस्ट क्योंकि वो कहते हैं, उन्हें लगता है कि इंडक्शन जो है वो साइंस की बेसिस है। तो बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं, बट दैट इज़ ओके क्योंकि पॉपर जो है वो उसे इस बात से गर्ज नहीं है कि साइंटिस्ट बिलीव क्या कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी साइंस के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सटल पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक मेथड। डज इट इन्वॉल्व इंडक्टिव रीजनिंग और नॉट? एक इसका जवाब यह है कि आज की साइंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, पहले आप अच्छी खासी आप थियोरी पढ़ते हैं, ठीक है, उसके फ्रंटियर पे जाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आई डोंट, कुछ लोग करते हो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि
मतलब मिसाल के तौर पे मैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करता था. जब मैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करता था तो मेरे, हालांकि मैंने भी साइंटिफिक मेथड पढ़ा हुआ था फ्रांसिस बेकन का, तो मेरे जहन में वो मेथड होता ही नहीं है. मेरे जहन में तो बस ये होता है कि आमतौर पे एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, एज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट मेरे जहन में ये होता है कि ये थ्योरी मुझे ये बता रही है और इस थ्योरी का ये जो फिनोमेना है ये इस सिस्टम में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, और फिर मैं वो एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ. तो आप ये यहाँ मुझे कह सकते हैं कि मैं इंडक्शन करूँ, लेकिन ये इंडक्शन नहीं है. ये जो मेरी थ्योरी है ये मैं एस्टेब्लिश थ्योरी से डिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो इट्स डिडक्शन. और फिर वो जो टेस्ट है दैट इज़ अ टेस्ट ऑफ द होल थ्योरी. अगर अब टेस्ट वो फेल हो जाता है तो फिर वो उस थ्योरी पे सवाल उठता है. नो द क्वेश्चन, सॉरी, ये हाँ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि विदाउट जर्नलाइजेशन हाउ कैन यू डिड्यूस समथिंग. वो जर्नलाइजेशन तो आपने इंडक्शन के बेसिस पे की होगी ना. एब्सोल्युटली. और वाइनबर्ग यही कहता है, जब हम साइंस करते हैं तो ये फलसफे की बात है, हम एक तरफ करते हैं. अच्छा, एक तो मेरा कमेंट है कि आई रियली अप्रिशिएट सर का जो पैशन है, जो साइंस हैज़ ब्रॉट सम लाइक फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू कुछ ट्रुथ्स हैं. तो ये जो एकेडमिक अप्रोच है, आई थिंक इट इज़ रियली गुड फॉर द एकेडमिक सर्कल्स टू फाइंड फर्दर नॉलेज एंड ट्रुथ. लेकिन व्हेन वी ब्रिंग दिस स्केप्टिसिज्म इनटू, अब ये दिस इज़ नॉट एन एकेडमिक क्लास ना, सो दिस इज़ फॉर कॉमन पीपल. तो इस तरह के फोरम में व्हेन वी ब्रिंग दिस काइंड ऑफ स्केप्टिसिज्म अगेंस्ट साइंस, अगेंस्ट शायद ठीक वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक फर्दर जो एंटी साइंस पीपल हैं उनको ये स्ट्रेंथ करता है. अभी पिछले दिनों वायरल हुई थी सर की एक टॉक जो है वो हमजा टॉर्टोइस के साथ, ठीक है. सो दोज पीपल यूज दीज काइंड ऑफ एकेडमिक आर्गूमेंट्स अगेंस्ट साइंस एंड टू प्रमोट देयर फेथ. और ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे ऑलरेडी लाइक यहाँ पे शायद 30-40 लोग हम बैठे हुए हैं जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, देर आर मिलियंस जो बिलीव करते हैं कि जो है वो एक रूह फूंकी थी और हम पैदा हो गए और ये सिलसिला चल निकला, ठीक है. अभी सर ने बात की अमेरिका में कि वहाँ पे ऐसे क्रिएशन के म्यूज़ियम बने हुए हैं. सो टू शो फेथ इन, फेथ का लफ्ज़ अजीब लगता है, लेकिन टू शो फेथ इन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो साइंस ने डिस्कवर कर लिए हैं. अभी लास्ट वीक यहाँ पे टॉक हुई है अर्थली ऑर्डर, एक बड़ी खूबसूरत बुक, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी. तो हाउ नेचुरल लॉज डिफाइन ह्यूमन लाइफ, उसी में वहाँ पे बात हुई थी कि स्केल की जो वेरी फेमस बुक जिसमें ही ट्राई टू फाइंड सम पैटर्न्स के सेल से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक का जो एक पैटर्न है, देर इज़ सम काइंड ऑफ पैटर्न इन देयर ना, एंड विद एनफ डाटा वी माइट बी एबल टू फाइंड, अभी नहीं तो कल को फ्यूचर में मे बी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी. सो वी हैव, आई थिंक वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ, स्पेशली सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए भी और जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी. आई एम नॉट सेइंग कि ये जो पॉपर के जो थ्योरीज हैं दीज आर, ये एकेडमिक क्लास के अंदर तो वेरी हेल्दी, ये शायद बहुत ज़रूरी भी हैं, बट इस तरह के फोरम पे वी नीड टू शो पैशन, जैसे सर ने डिफेंड किया कि देयर आर सम ट्रूथ्स, ठीक है, अनटिल दे आर प्रूवन रॉन्ग वी हैव टू स्टैंड विद देम एंड वी हैव टू बिलीव इन देम. आई थिंक मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि इस तरह की महफिल में इस तरह के सवालात जब उठाए जाते हैं तो वो साइंस को मजबूत करते हैं. हम हर किस्म का सवाल उठाने के लिए तैयार हैं. वो जो साइंस के खिलाफ उसकी जड़ों को भी काटती हो तो कोई बात नहीं. यू सी, दिस इज द होल पावर ऑफ साइंस दैट इट इज विलिंग टू एग्जामिन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो इससे साइंस कच्ची नहीं होती, इसे और ज़्यादा मजबूत होती. एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, मेरे ख्याल है एक इंप्रेशन शायद ये जा रहा है कि क्योंकि मैंने बात की कि हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते और ट्रूथ की तरफ नहीं जा, तो ऐसा लग रहा है जैसे साइंस बेकार है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो पॉपर ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है, शायद मैंने एक्सप्लेन उस तरह से नहीं किया.
लेकिन पॉपर जो है वो ये कह रहा है कि साइंस इज आर बेस्ट नॉलेज, हमारा इस वक्त जो बेहतरीन नॉलेज है ना, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़ा है, वो साइंस का ही है, ठीक है। और साइंस की मजबूती इसी वजह से है कि आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और फिर आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं, जैसा कि बच्चे ने कहा था। तो अगर आप साइंस को सवाल करना छोड़ देंगे और साइंस में भी आप फेथ, अब जैसे कोविड का पेंडेमिक था तो आप देखें अमेरिकन न्यूज़ में भी वो कहते थे ट्रस्ट द साइंस, और यूके में भी, लेकिन पॉलिसीज उनकी बहुत बड़ी होती थी। तो ट्रस्ट द साइंस, वो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, वो फिर साइंटिज्म बन जाता है, और उसमें फिर आप साइंस को भी एक रिलीजन और डॉगमा बना देते हैं, और फिर आप कहते हैं यार, और फिर आपको थियोरी से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो साइंस की ये अच्छी बात है अगर आप एक थियोरी को गलत साबित करें, क्योंकि उसकी वजह से ही आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर कुछ वक्त के बाद हम फिजिक्स पढ़ाते वक्त, बायोलॉजी पढ़ाते वक्त, केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त हम अपनी टेक्स्ट बुक्स बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? इसलिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर बेहतरी आती जाती है वक्त के साथ साथ, उसको पढ़ाने के तरीके भी बेहतर होते जाते हैं। तो हम आजकल बिल्कुल प्रिंसिपिया मैथमेटिका की तरफ देखते ही नहीं, वो जो न्यूटन की किताब थी वो हम में से किसी ने नहीं पढ़ी, सारी कैलकुलस उधर। सही, एब्सोल्युटली एग्री, वी डोंट इवन नीड टू लुक एट इट, वी डोंट इवन नीड टू नो अबाउट इट, बिकॉज इट्स ऑल ग्रोइंग ऑर्गेनिकली। सर, मेरा पॉइंट ये है कि आई एब्सोल्युटली एग्री इन सारे पॉइंट्स से। मेरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हुई कि मेडिसिन की साइंस ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब स्पेशली दिस फोरम, ये जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दिस इज़ नॉट, मतलब साइंस स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, बट लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फ्रॉम साइंस, आम ले मैन जो सुन रहे हैं, तो दिस सेंड्स ए वेरी रॉन्ग सिग्नल। मतलब ऑलरेडी जो है वो बड़ा क्वेश्चनेबल जो है वो एटीट्यूड है हमारे यहाँ, तो और क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक जो एटलीस्ट एवरी अदर नॉलेज एज कम्पेयर टू एवरी अदर नॉलेज जो मेडिसिन की साइंस है, इज मोर रिलायबल देन एवरी अदर। यस, That's why I said सर का जो पैशन, आई रियली लव के, हत्ता के मौलाना तारिक जमील को जब दिल में तकलीफ हुई तो उन्होंने जाके स्टेंट डलवाए, अजवा खजूर नहीं खाया। तो ये इस बात की दलील है कि वो भी मानते हैं साइंस को। तो हम, हमें पता है कि हम कितने मजबूत हैं। सर, फंडामेंटल लॉस से रिलेटेड दोबारा मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि साइंस इज़ ओनली समथिंग यू कैन बिल्ड अपॉन, सो डज दैट एक्सक्लूड के अगर हम कोई यूनिफिकेशन कर लें रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की, सर आपसे भी, अगर यूनिफिकेशन हम कर लें तो दैट वुड बी द थियरी ऑफ एवरीथिंग और इट वुड बी द फंडामेंटल लॉ, तो उसके उसको उसके ऊपर फर्दर बिल्ड करना या उससे और फंडामेंटल लॉ निकालना शायद पॉसिबल नहीं होगा। उसी की वेरिफिकेशन करते जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, बट इफ़ दैट इवेंचुअली हैपन्स एंड वी डू एक्चुअली फाइंड सम फंडामेंटल लॉ, तो दैट वोंट बी समथिंग वी कैन बिल्ड फर्दर ऑन। एप्लीकेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है, बट उसमें देखिए, अभी मुझे तो, मैं आपके साथ एग्री नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, स्टीफन हॉकिंग ने भी आई थिंक नियर द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वाज ऑफ द सेम व्यू दैट इट्स नॉट पॉसिबल, एंड आई एम नॉट एक्चुअली क्लियर अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स के ये क्यों नहीं पॉसिबल। मेनी पीपल हैव दिस व्यू कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट व्हाट्स द आर्ग्यूमेंटेशन बिहाइंड इट? आई एम नॉट सेइंग दैट। अच्छा, देखें, एक तो मेरा फिलोसॉफिकल इस पे है आर्ग्यूमेंट, मतलब इसको थियरी, यूनिफाइड थियरी कहना या थियरी ऑफ एवरीथिंग, चले यूनिफाइड थियरी फिर बेहतर है, लेकिन थियरी ऑफ एवरीथिंग कहना शायद मुबालगा है। वो मैं वही बात करूँगा कि ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल, मेरे पास स्टैंडर्ड मॉडल आ गया, लेकिन बाकी सारी फिजिक्स मैं छोड़ दूँ, कंडेंस मैटर मैं छोड़ दूँ, तो ये थोड़ा सा, एक हमने हायरार्की बनाई हुई है थोड़ा सा, ये पॉपुलर प्रेस में भी, कि बस हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल के बाद एक ग्रैंड यूनिफाइड थियरी आ गई, तो उसके बाद साइंस फिजिक्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो किताब मुकम्मल हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू, क्योंकि थ्योरेटिकल फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स, ऑब्वियसली अनटिल दैट ब्रेक्स डाउन, ऑब्वियसली आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ नॉट। अगेन, आपका जो आर्ग्यूमेंट है इसमें इंडक्शन छुपी हुई है, क्योंकि अभी हमें चीज़ें यूनिफाई होती नजर आ रही हैं, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना कि यूनिफिकेशन की तरफ जाएंगे, इसमें इंडक्शन छुपी हुई है। लेकिन अगर ऐसा हो, जैसा आपने कहा, अगर ऐसा हो जाता है,
So that would be a very good argument so I think against Popper's work. Hawking, I think, I've not read it completely or very much, in fact. I think he had some arguments related to the incompleteness theorem and something like that. नहीं incompleteness का इससे ताल्लुक नहीं है वो mathematics जी वो formal systems के बारे में. देखें string theory in principle gives you the microscopic basis of quarks, gluons or standard model particles. अब 40 साल हो गए बहुत उम्मीदें string theory से वाबस्ता थीं उससे हमने बहुत कुछ सीखा है हम आज दावे से कह सकते हैं कि 10 डायमेंशंस हैं 6 और हैं जो हम देख नहीं सकते और ये बहुत ही एक खूबसूरत हसीन थ्योरी है इसका पहले भी जिक्र हुआ था लेकिन इसमें बहुत मुश्किलात पेश आई हैं और एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आया जो पहले देखा नहीं गया था जिसको लैंडस्केप प्रॉब्लम कहते हैं इसमें यह है कि जो पॉसिबल वैक्यूआ है थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन हर कायनात एक वैक्यूम के साथ जुड़ी हुई है उसके साथ मुंसलिक है तो अब उन वैक्यूआ की तादाद जितने सितारे हैं आसमान में उससे कहीं ज़्यादा है तो ये मसला बन गया है और इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं ये बहुत ही फाल थियरी है इसको हम मुस्तरद इसलिए नहीं करते क्योंकि जो पिछली हमारी फिजिक्स है वो उसके साथ जुड़ी हुई है उसके साथ मुतसादम नहीं है लेकिन इससे कोई नई पेशन गोई नहीं हो सकी है हनोस तो अब देखते हैं आगे क्या होता लेकिन अगर स्ट्रिंग थियरी कामयाब होती है तो फिर क्वार्क्स ग्लुओन स्टैंडर्ड मॉडल सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी से ज़्यादा जो विग्नर क्रिस्टल्स हैं उससे ज़्यादा जो पूरे हमारे सेल्स हैं जिस्म हैं इन प्रिंसिपल एवरीथिंग कैन बी रिड्यूस तो मैं तो रिडक्शनिस्ट हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. एक सवाल है जो शायद साइंस को सोसाइटी साइंस और सोसाइटी से लिंक्ड है मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि मैं इसको सही तरह फ्रेम कैसे करूँ लेकिन आई गेस इट्स अ सिली क्वेश्चन लेकिन मैं आपसे दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी का थोड़ा सा जिक्र आया कि एक रूलर जो सही नहीं है उसको मिनिमम ब्लडशेड मिनिमम केओस के ज़रिए उसको उतार दिया जाए तो इट सीम्स वेरी रीजनेबल कि दिस आइडिया प्रमोट्स द आइडिया ऑफ बीइंग रीजनेबल कि अगर एक चीज़ सही नहीं है तो इस तरह से सिस्टमैटिकली उसको चेंज कर दिया जाए Now that gives me a nice flavor of science, ke, scientific method. Ka. It's a nice, reliable method. Lekin jo unit hai ek society mein, jo ek fard hai, it is very likely that they might be scientifically ignorant ya unaware. So here's the question that I don't know if it's a good question. Ki kya aisa to nahi hai ki democracy is an emergent phenomena of scientifically ignorant population. Before you answer that, there will be only one last question. इसलिए कि we are much over time. Okay. देखें आपके सवाल में ये बात छुपी हुई है कि education बहुत important है. Democracy education के बगैर नहीं चल सकती. तो एक अफराद जो हैं उनमें इतनी समझ होनी चाहिए और उसमें आपको scientific method की बात करने की ज़रूरत नहीं है. It's basically a method you can apply to any kind of knowledge. और एनी काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें लोग डिसएग्री कर रहे हैं ठीक है और कई चीज़ों में लोग डिसएग्री करते हैं तो उसमें जाहिर है फिर आप एक चॉइस को ट्राई करें वो अगर नहीं ठीक साबित होती है और उसको चेंज करें तो इसके लिए साइंटिफिक मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो एंड आई डोंट एग्री कि डेमोक्रेसी जो है वो एक इमरजेंट सिस्टम है आई थिंक इट्स अ मैन मेड सिस्टम और इमरजेंट कहना मुनासिब नहीं है और फिर उसमें और पॉलिटिकल थियोरीज आ जाती हैं अभी मैंने जॉन रॉल्स की पढ़ी है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमें ठीक है हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए तो वो फिर उसमें कंपीटिंग तो आई डोंट थिंक इट्स एन इमरजेंट सिस्टम तो लास्ट क्वेश्चन के लिए तो शायद ये बड़ा अजीब सा सवाल होगा मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि ओपन सोसाइटी एक ऑर्डर्ड सोसाइटी है या क्योटिक सोसाइटी है इसमें
कुछ हद तक ऑर्डर भी है, कुछ हद तक केओस भी है, बीच में है. आई वुडंट कॉल इट अ टोटली केओटिक सोसाइटी. बट इनहेरिटली तो केओटिक होना चाहिए बाय डेफिनेशन. अगर ऑर्डर ओपन है, देखें कुछ हद तक ऑर्डर है, कुछ हद तक गवर्नमेंट है, कुछ हद तक इकोनॉमिक इंटरवेंशंस हैं, और उनका मकसद ओपन सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है. मतलब थोड़ी सी ये सर्कुलर डेफिनेशन है कि वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है ओपन सोसाइटी को कायम रखने के लिए, ओपन सोसाइटी एग्जिस्ट करती है उस सिस्टम को कायम रखने के लिए. तो ये थोड़ा सा सर्कुलर है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन.